तो मित्रों मेरे पीछे है मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर फुल मस्ती के साथ एजुकेशन भी यहाँ पे अपनी पूरी कंप्लीट करते हैं मैम्स के साथ। और ये बच्चों के लिए है छोटा सा एक प्ले क्लासेस, यहाँ पे बोल सकते हैं टॉयज रूम, यहाँ पर बच्चे फुल तरीके से एंजॉय करते हैं। और ये बच्चों का है मित्रों प्ले ग्राउंड जैसे मैंने, और ये बच्चों के लिए है कंप्यूटर रूम, और ये है बच्चों का एवी रूम। यहाँ बच्चों को वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, आपके बच्चों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये है बच्चों के लिए म्यूजिक रूम, यहाँ पर बच्चे संगीत में भी पूरी की पूरी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बच्चों के लिए आर्ट क्लासेस, ये इंडोर स्टेडियम है जैसे हमने आपको बोला था, यहाँ बच्चों को पूल की ट्रेनिंग एक शिक्षित यहाँ टीचर द्वारा दी जा रही है, और यहाँ भी टेबल टेनिस का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये है ऑडिटोरियम रूम, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और एक साथ इन बच्चों की कला उनके पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स यहाँ मौजूद रहते हैं। और ये है बच्चों के लिए लाइब्रेरी रूम, मतलब एक साथ पूरा पैकेज यहाँ मौजूद है। और ये है दोस्तों बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग ग्राउंड, यहाँ पर बच्चों को घुड़सवारी सिखाई जाती है छोटे छोटे नौनिहालों को, कि हर चीज में वो प्रशिक्षित होकर इस स्कूल से जब भी जाए प्रशिक्षित होकर बाहर निकले। आधुनिकता की दौड़ में मित्रों बच्चों को किन किन चीजों के लिए ज्यादा जरूरत होती है शिक्षा की, ये सारा सब कुछ यहाँ ध्यान रखा गया है MIS मैनेजमेंट द्वारा, MIS मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट द्वारा। अभी हम अपने बच्चे को कहीं स्कूल में दाखिला कराने ले जाते हैं तो जहन में रहता है स्कूल कैसा होगा, वहाँ की शिक्षा कैसी होगी, तो यहाँ पर आज की शिक्षा के अनुसार सारी बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ बच्चे को किस तरीके का एंटरटेनमेंट देना चाहिए और वह भी यहाँ सब कुछ, मतलब पूरा एक पैकेज है यहाँ MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल में। लेकिन अच्छे स्कूल की बात आती है जहन में आता है डोनेशन, मैं आपको पुनः बता दूं MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल डोनेशन रहित है, यहाँ पे डोनेशन नहीं लिया जाता, क्योंकि बिल्कुल आपकी जो मंथली फीस है उसी में ही आपका बच्चा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से ये आप स्कूल आपके बच्चे के लिए बेहतर है, तो मैं कहूँगा किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले एक बार MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल आप आए और देखें क्या वास्तव में ये आपकी नीड कंप्लीट कर रहा है। शुपरी लिंक रोड पर आप शीतला माता मंदिर के लिए जाते हैं तो यहाँ बीच में जो पुलिस चौकी मिलती है उससे महज 200 मीटर आगे लेफ्ट हैंड पे आपको मिल जाएगा मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल ये स्कूल, यानी आपके अपने बच्चे का प्यारा वाला ये स्कूल। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, जय बाबा अचलनाथ की। मैं ग्वालियर हेडबेड एंड SR डीजियाना के साथ सिटी केबल की संयुक्त प्रस्तुति MIS आओ मेला चले कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 2 फरवरी शुक्रवार का दिन, चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, देखते हैं किसने क्या घूमा, क्या देखा, क्या पसंद किया और कौन आया आपको गुदगुदा गया इस कार्यक्रम में MIS आओ मेला चले। मेरा नाम खुशी है। पोयम सुनाओगे? सुनाओ। यदि ईट पर ईट डाले तो महल खड़ा हो जाएगा, छोटा सा दीप जला दे अंधकार मिट जाएगा, नन्ना यदि बीज बो दे, नन्ना यदि बीज बो दे वृक्ष बन जाए, वृक्ष बन जाएगा, अच्छे अच्छे काम करे तो देश बड़ा बन जाएगा। वेरी गुड। आपका नाम? पूर्वी। आप पोयम सुनाओ।
मेरी मम्मी सबसे प्यारी फूलों जैसी न्यारी न्यारी, कभी सिखाए कभी पढ़ाए, थैंक यू मम्मा आई लव यू, थैंक यू मम्मा आई लव यू। वेरी गुड, आपको भी मैं भी गिफ्ट। आपका नाम क्या है? अंशु। अच्छा, आप दोनों भाई बहन हो? अच्छा, आपका पोयम जैसे की नानी है, जीवन का पानी है, आधा घंटा जाएंगी और बाहर निकालो बैठ जाएंगी। हाँ, वेरी गुड। आप टीवी पे देखते हो मेला? हाँ, देखते हो। आप देखते हो आप रात को की सुबह? सुबह सुबह देखते हो? कई कई बच्चे को देखते हैं। केला खा के मुँह पिकाया, गिरे दरा। वेरी गुड। आपका नाम? आप क्या सुनाओगे? पोयम और पांच तरह की सेल्फी। सेल्फी कैसे लेते बताओ जरा, पांच तरीके से मोबाइल लेके। हाँ, एक, अरे वाह, दो, तीन, चार, एक और है कही है ना, पांच। वेरी गुड। रिया। पोयम जल्दी। चुन्नू था मुन्नू था, एक रसगुल्ले पे दोनों लड़ रहे थे। चुन्नू बोला मैं लूंगा पूरा, मुन्नू बोला मैं लूंगा पूरा। झाड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लाई, आधा आधा चुन्नू को आधा मुन्नू को। वेरी गुड बेटे, क्या नाम है आपका? शौर्य। सूरज के आने से पहले लाली सी छाई आती है, पूरब दिशा में लाल गेंद की किरणें अंधकार मिटाती है, धीरे धीरे आधाती पे जग रोशन कर जाती है, नया सवेरा आया है, संदेश सुनाती है, सूरज की किरणें आकर्षित खुशियां लेकर फिरती, सुबह सुबह जो उठ जाता है उनकी झोली भरती है। नाम? खुशी। पोयम जल्दी। बोटलाल टमाटर खाऊंगा, मोटा बन के जाऊंगा, मम्मी मुझको मालेंगी, मोली में घुस जाऊंगा, मोली में टटैया हाय मिली मैया। आप सबके लिए ये रखो बिंदल फैशन से, एक आपके लिए, आप दोनों भाई बहन रख लो, एक आपके लिए, एक आपके लिए बेटे बिंदल फैशन से, एक आपके लिए भी है बिंदल फैशन से, एक आपके लिए भी है बिंदल फैशन से, और एक आपके लिए मैं और दे देता हूँ बिंदल फैशन से, जब तक आप ये रख लो। ताजमहल पोहा से एक आपके लिए, एक आपके लिए भी बेटे ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी ताजमहल पोहा से फैशन से है, एक आपके लिए भी बेटा ये पोहा है, और एक आपके लिए। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या सुनाओगे? डांस। नाम? ए सार दे मा, हे सार दे मा, अज्ञानता से हमें तार दे मा, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मा, हमको उजालों का संसार दे मा, हम भी। चलिए बेटे वेरी गुड। क्या नाम है? नंदिनी चौहान। क्या सुनाओगे? मैं सॉन्ग और डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? कैट है, जल्दी से। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। एक। और डॉग है? हाँ हाँ। दो। और गॉट है? हाँ। मैं नहीं, ऐसे नहीं आती बकरी की, एक बार और। मैं। एक बार और जोर से निकालो, जोर से। मैं नहीं, नहीं, मैं, नहीं है, निकालो आवाज निकालो। मैं परफेक्ट नहीं हो रही है। और कौन से है? और है ना, बताओ जल्दी से, कंटिन्यू आओ। कुकड़ुकू। नहीं बेटा, आप कर नहीं पा रहे हो। सर सॉन्ग है, एक सुनाओ। सॉन्ग है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे हौले हौले जल की जमी को तेरे ही नाम कर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? योगेश कुशवाहा। क्या सुना रहे हो? शायरियाँ। सुनाओ शायरी की शायरियाँ। शायरियाँ सुनाओ। नजर से नजर मिला के कत्ले आम करता हूँ, फूलों का आशिक हूँ, कलियों से प्यार करता हूँ, देख कितने कम सिंह है जो गुब्बारे सांस चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी फुलंकी क्या दे दो अपनी औकात भूल जाते हैं। वेरी गुड, चलते जाओ। बच्चे गाते चुकंदर हमारे गुड्डू भैया चांद से ऐसे सुंदर। हाँ। मैं चिराग जलते नहीं जलाए जाते हैं, लघु देखकर इस तिरंगे की हिफाजत की है, सदा उसे दिल में बसाया जाता है। वेरी गुड। और मैंने किस बेवफा को गले लगा लिया, मैंने किस बेवफा को गले लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। वेरी गुड। एक और, मैंने हर श्याम चिरागों से सजा रखी है, मैंने हर श्याम चिरागों से सजा रखी है, सर्द हवाओं से लगा रखी है, जाने किस गली से आ जाए मेरे मेहमान, मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। शानदार। और मैं हिंदू हूँ ना मुस्लिम, मेरा मैं हिंदू हूँ ना मुस्लिम, मुझे बना दो एक इंसान, मेरा गांव बसता है, मेरी झोपड़ी जला दो। वेरी गुड, बहुत शानदार। और किनारे किनारे मत चलो, किनारे टूट जाएंगे, नए दोस्त मत बनाओ, पुराने छूट जाएंगे। वेरी गुड। और काली साड़ी पे कढ़ाई नहीं होती गुड्डू, ये आपके जाने के बगैर खुशियाँ नहीं होती। और
बस खत्म। वेरी गुड। कहाँ रहते हो? समाधि कॉलोनी डीवी लोग। अच्छा, प्रोग्राम देख रहे हो? हाँ। चलो, क्या नाम है? अंकित शर्मा। क्या सुनाओगे? चुटकुले सुनाओ। तीन लड़के होते हैं, वो भगवान से वरदान मांगते हैं। पहला लड़का मांगता है कि मुझे सोने से बड़ा कमरा दे दो, और दूसरा भगवान पे हम चुटकुला सुनते नहीं है। नहीं वैसे नहीं, नहीं कुछ नहीं, भगवान का नाम चुटकुले में शामिल होना अपमानीय है। तो गीत सुना रहे सर? नहीं गीत नहीं, चुटकुला सुनाओ ना। और दूसरा आप चुटकुले सुना रहे थे। दो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मेरे भैया हैं, तो कहते हैं बीएड किया है, वो दूसरा कहता है कि मेरे भैया हैं तो पीएचडी किया है। वो कहता है पूछ कैसे, कहते हैं पिज्जा होम डिलीवरी। और दूसरा जो कहते हैं, दो लड़के होते हैं, वो ये कहते हैं तू कहते ऐसा मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ जो तू आँख बंद कर सकता है। वो कहता है फिर मैं आँख बंद करके सो सकता हूँ, तू आँख खोल के नहीं सो सकता। और एक और है। हाँ एक और सुनाओ। और कहते हैं ये भी अच्छा है, ये क्या कहते हैं चुटकुला? चुटकुला हाँ, ये आपने सुनाया ना, क्या कहते हैं? ये भी तो चुटकुला ही था। हो गया। चलो, क्या नाम है आपका? कविता चोर। क्या सुना रहे हो? कॉमेडी सॉन्ग सुनाओ। जब हम बूढ़े होंगे जाने कैसे दिखेंगे, लेकिन जैसे दिखेंगे जवानी याद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब मुंह में एक दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा, फिर टूथपेस्ट और कोलगेट से इसने आजाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। क्या सुना रहे हो? चुटकुले। एक लड़का है, वो लंगड़ा लंगड़ा के आता है। तीन डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो बोलता है देखो लंगड़ा लंगड़ा, बोलता है इसका पैर टूट गया है। वो बोलता है चोट हो गई, लग गई हुई। बोलता है इसका अंगूठा टूट गया है। वो पास आया था, वो बोलता है क्यों भाई आपका क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरी चप्पल टूट गई, तभी मैं लंगड़ा लंगड़ा के आ रहा हूँ। चलो वेरी गुड। मैं भी आपको क्या नाम है आपका? पुष्कर। क्या कर रहे हो? संग बजाऊंगा। संग बजा रहे हो? बजाओ जरा। शानदार, वेरी गुड। एक बार और। वाह वाह। अब पैंट चेक करो जरा, पीछे घूम के कुछ हुआ तो नहीं है? चेक कर लो, हुआ तो नहीं है पैंट में कुछ? अरे यार उसमें तो हवा नहीं भर पाए। बच्चों अरे राजदीप आता है, मालूम है आपने? छोटा सा बच्चा, वो वन टाइम में ही संग बजा देता है। देखा है आपने? कई बार आपने शो में आप देख रहे होंगे, आप लोग पिछले साल भी उसने शंख बजा दिया था। एक बार में शंख बजा देता है, कोई सा भी शंख हो। चलो वेरी गुड। और क्या करके दिखा रहे हो? ये कितने उंगलियों पे कर लोगे आप? तीन उंगलियों पे कर लोगे? चलो करके दिखाओ। अरे वेरी गुड। देखो तालियां मिलेंगी आपको यहाँ पर। एक बार और करके दिखाओ, तीनों उंगलियों पे बराबर। एक दो तीन, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुनाओ। ये रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांस नहीं लेते अब तो, आ जाओ मेरे सोने आ। बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी आके, सुन जाओ मेरे सोने आ। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आ जा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। वेरी गुड। बहुत शानदार वॉइस है आपकी, देखो तालियां मिलेंगी। बहुत शानदार वॉइस है। हाँ अगर आप सीखोगे ना और परफेक्ट हो जाओगे। हल्का सा सुर की थोड़ी सी कमी थी केवल। क्या नाम है बेटे आप? क्या सुनाओगे? डांस करेंगे। डांस करोगे? और आपका नाम? डांस करेंगे। आप भी डांस करोगे? चलो क्या नाम है बेटे? मल्लपाठिया। क्या सुना रहे हो? कविता सुनाओ। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटना मत बांटो इंसान को, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, अभी हरी भरी है धरती ऊपर नीला वतन है, पन्ना प्यार हो तो जग में अपना, जब ना प्यार हो तो जग में सूना जलता रेगिस्तान है। ये
अधूरी सुना दी आपने, है ना? थोड़ी ना? थोड़ी सी एक लाइन। चलो कोई बात नहीं है। क्या है? क्या है? क्या है? शेरवानी सलवारी डाल दी अंदर सलवाने के लिए। क्या है? बस पानी पिया अभी अभी। क्या है? क्या है? मच्छर ने पूरी रात काटा। क्या हुआ है? गाड़ी चल रही है अभी भी, भग रही है, रुकी नहीं है, ब्रेक नहीं लगे। मुझे लग रहा है इनकी याददाश्त चली गई है, शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। नहीं, नानी तो जिंदा है। तुम्हारी याददाश्त गई है ना? क्या है? क्या है? क्या है? आप सबको बनाते हो, आपको उल्लू बना रहे थे। मेरे पास लगप्पा थे डॉक्टर, उन्होंने ये तरीका बताया था, अभी तक वो इंजेक्शन तुम्हारे पेट में घूम रहा होगा। ठीक ना, आ गई ना यार दस वापस? आ गई, गई थोड़ी सी शेरवानी सिलवाली। गाड़ी ठीक चल रही है तुम्हारी? मजाक कर रहे थे। नहीं, मजाक कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। नहीं, झूठ बोल रहे थे। ठीक है, किसी ने बोला था। क्या है ऐसे को लगाते हैं ऐसे उंगलियां बुजुर्ग बुजुर्ग के पेट में जा रहे हैं? आ गई यार दस वापस, आ गई, निकल लो यहाँ से आप। एक मिनट चाची। नाम है आपका? रूपाली बात है। तनिष्का, वंशिका, नंदिनी, अंजलि। मैं कन्ना बिच पावा चुम चुम के तू ले आ दे मैं जाने शॉपिंग तो आने मैं जाने चक्कर आने जीतो। और किसी की आँख में बीमारी वो चश्मा लगा करते हैं वो भी कर सकते हैं, और जब बाहर जाते हैं वो भी कर सकते हैं। और मतलब ना कोई बाहर है और हमारे घर पे भी है, और हमने अपनी बुआ जी को गिफ्ट भी दिया था गोल्डन लाइफ इंडेक्स का, 12 साल का विश्वास है, 2 पल्सर बाइक है, 10 चेक है, और ना रोज वो उस ना ट्रॉली बैग का वो कूपन खुलता है, और ना और ना एक आपके लिए रख लो गोल्डन लाइफ से एक MIS मेट्रो पॉलिश। बताओ MIS मेट्रोपॉलिस स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह सब सिखाई जाती है, इसमें हॉर्स ड्राइविंग और लिविंग रूम बच्चों के लिए सब कुछ है, और ये वहाँ मतलब वहाँ पे है 2 किलोमीटर जब शीतला चलते हैं वहाँ पे है सर। पूरा बताओ ना, बताओ। इसका CBSE नंबर है 10397। और क्या है? और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, यहाँ पर कई तरीके की एक्टिविटीज हैं, और यहाँ पर वेरी गुड, एक आपके लिए रख लो MIS से। और कौन सी चाय हम लोग दे रहे हैं बताओ? पदम श्री। क्या है खासियत, कहाँ मिलती है बताओ बेटा? और कौन बता रहा है? मुझे हर शॉप पर मिलती है, और ये नए बाजार में इसका मेन स्टॉक है, और इसे हरिबाबू बेचते हैं। हरिबाबू बताओ, एक मिनट बताओ, जो बच्चा बताएगा पदम श्री। सर मैं बता दूं? हाँ बताओ। पद्मश्री चार RIT कंपनी नया बाजार में मिलती है, और बाजार में और हर दुकान पे मिलती है, 150 तरह की चाय है।
150 तरीके की चाय है, एक आपके लिए रख लो। कौन सा पोहा हम लोग दे रहे हैं आप बेटा जिसको? हाँ। ताज महल पोहा, और ये हर शॉप पर मिलता है। और जैसे कि खुले पोहे होते हैं ना, उसमें चूहे वगैरह मर जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं, कर देते हैं। और ये जो ताज महल पोहा है ना, वो बेकार नहीं होता और अच्छा होता है। आपके लिए रख लो, कहाँ पे मिलता है ये? हर शॉप पर मिलता है। एक आपके लिए ताज महल पोहा से, एक आपके लिए रखो, एक आपके लिए भी है। कौन सा है ये? कहाँ पर? राम मंदिर चौराहा। और क्या कहा इनके है? यहाँ पर फैशन ड्रेसेस हैं, और यहाँ पर सूट वगैरह भी मिलते हैं। देखो फैंसी ड्रेस स्कूल में जो लोग हम करते हैं ना प्रोग्राम वगैरह, जो ड्रेस किराए पे लाते हैं वो इनके मिल जाती है। लहंगा चुन्नी दुल्हनों के लिए, ब्राइडल ज्वेलरी दूल्हों के लिए, शेरवानिया, ब्यूटी पार्लर भी रखते जाओ। एक आपके लिए उस बुटीक से, एक आपके लिए, आपके लिए भी है बेटे, आपके लिए, एक आपके लिए उस बुटीक से, एक आपके लिए है, आपके लिए, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए और है। MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल शुपरी लिंक रोड से एक आपके लिए भी है, आपके लिए, आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए, आपके लिए, और एक एक और आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए भी है बेटे, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक बेटे आप भी रख लो, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए भी है, आपको तो हो गया, बड़ा मिल गया, एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, एक बेटे आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, और से इतना ज्यादा अच्छा नहीं किया, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक एक और पद्मश्री चाय RIT कंपनी नया बाजार से, एक आपके लिए, आपके लिए भी है बेटे, आपके लिए है, आपको तो बड़ा मिल गया, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके रख लो बेटे, एक आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए, और विशाल विंडो कूलर में सर क्या नहीं आया है? रिमोट वाला कूलर, सिम्फनी और रिमोट वाला कूलर, सिम्फनी नंबर एक पे है। हाँ वेरी गुड, एक एक आपके लिए, हाँ विशाल विंडो कूलर, सिम्फनी स्लिप बेल मैट्रेस, विशाल अलमारी, विशाल विंडो कूलर, सिम्फनी स्लिप बेल मैट्रेस, विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, सिम्फनी, और एक आपके लिए विशाल विंडो कूलर से। नमकीन है ये, कहाँ मिलता है? हाँ ये MIS आओ मेला चले, बच्चे सब लोग पहचान गए हैं। एक आपके लिए है, आपके लिए भी है भोगराज से, आपके, आपके लिए, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए, आपके, एक एक आप दोनों पर, भागीरथ प्लाजा 36 नंबर 8 से, एक एक आपके लिए। काय का शोरूम है भागीरथ? फर्नीचर। कितने रुपए से पैकेज चालू? और पुराना दे जाओ, नया ले जाओ। एक फर्नीचर लाओ, एक आपके लिए, आपके लिए भी बेटे भागीरथ प्लाजा से, एक आपके लिए। आपका कौन सा शूज है? कितने तरीके का आता है? 150 से 200। और कहाँ मिलता है? शिल्पी फुटवेयर, टोपी वेयर, और हर शॉप पे। एक एक आपके लिए और है, आपके लिए बेटे, एक आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए, सॉरी आपके लिए, इधर एक आपके लिए भी है, आपके लिए है, एक आपके लिए है। अग्रवाल फोटो फ्रेम कहाँ पर? 36 नंबर 2। हाँ, और क्या गेन किया? यहाँ पे एक यार एक से मूर्ति शुरू है, हमारे आते भी हैगी। क्या 101 की मूर्ति आई है जो चमत्कारी है, जो नहीं मिलते, जो 7 दिन में अगर असर नहीं दिखाए तो वापस आ जाएगी। हाँ, एक एक आपके लिए अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक एक आपके लिए, और आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए, एक एक आओ। बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन मुरार को क्या खासियत? यहाँ पर जन्म, यहाँ पर जन्म से लेकर अंत तक बच्चों की ड्रेसेस है। हाँ, जन्म से लेके बच्चों से लेके बुजुर्ग तक की। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है बेटे, आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए, आपके लिए बेटे, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए, आपके लिए, और एक आपके लिए। स्मार्ट पसंद, 8 सालों का विश्वास, 12 सालों का, रखते जाओ बेटे। एक आपके लिए है, पकड़ लो, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से, आपके लिए बेटे, आपके लिए गोल्डन लाइफ से है, आपके लिए भी है, आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए, एक आपके लिए भी मैं दे रहा हूँ, एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए है, और एक आपके लिए। CNC राउटर, राजा के बिस्किट का कौन सा है? श्री अचलेश्वर। हाँ, एक आपके लिए बेटे, पकड़ो, आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, श्री अचलेश्वर CNC राउटर से। कौन सा बिस्किट है ये? राजा के बिस्किट। एक आपके लिए, आपके लिए, श्री अचलेश्वर CNC राउटर कहाँ पर है ये? दानावली टक्साल गली। हाँ, दानावली टक्साल गली, और इसके प्रोपराइटर अमूल्य, हाँ अमूल्य गुप्ता। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है बेटे, एक आपके लिए,
और एक आपके लिए और है मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट है ताजमहल पोहा से, रखते जाओ बेटे, एक आपके लिए, आपके लिए, आपके, एक आपके, आपके लिए बेटे, आपके लिए है, आपके, आपके लिए, आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए। ये सीधे यहाँ से गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर शोरूम के अंदर। विशाल भैया जी, आज क्या जानकारी दे रहे हैं? जानकारी क्या बताऊं गुड्डू भैया, आपके यहाँ कोई भी आपके यहाँ प्रोग्राम में स्कीम बताना भी कभी कभी बड़ी परेशानी वाली चीज हो जाती है। ऐसा क्या हो गया? क्या होता है, जो स्पेशल सैटरडे संडे की स्कीम थी आपके कहने से हमने फ्राइडे के लिए भी एक्सटेंड कर दी थी, पर अभी फ्राइडे होते होते अभी टाइम मुश्किल से 2 बज रहा होगा और कम से कम 13 से 14 लोग स्कीम का लाभ उठा सके सर। थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो ये प्रोग्राम पूरे शहर में नहीं संभाग भर में चल रहा है, मैं आपको बोल तो रहा हूँ। वो अग्रवाल जी हमारे जो थे वो भी परेशान हो गए थे, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट बहुत ज्यादा, क्योंकि सैटरडे संडे के लिए हमें कंपनी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल सैटरडे संडे के लिए था। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार और बताइए वो स्कीम क्या है? बढ़िया स्कीम है ये आपकी, जो आपका 4000 रुपए का स्पेशल आपका इंडक्शन कुकर था, आपको ये मात्र 3250 रुपए में विद कढ़ाई के साथ में मिल रहा है। एक कांच के ढक्कन की 200 रुपए की टपन ग्लास की कढ़ाई रहती है। बाकी ये जो मॉडल है सीधे आपको 850 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। बाकी 2090A मॉडल है जो 2090 मॉडल है, जिसका स्पेशल 4250 रुपए कीमत का है, आपको मात्र पड़ रहा है 4000 रुपए रेट में, 4000 रुपए रेट में आपको 850 रुपए के बर्तन गिफ्ट में, यानी आपको गिफ्ट श्योर मिल रहा है इसमें बर्तनों के सेट के साथ में। ये सैटरडे और संडे थी, आज फ्राइडे भी है, वैसे भी दिन भर में परेशान हो जाओगे आप। जी जी बिल्कुल, 2 बजे तक तो बुरा हाल है हमारा। ये कढ़ाई के साथ बिल्कुल 200 रुपए का ये आइटम आपको साथ में मिल रहा है इसमें, सिर्फ मात्र 3250 रुपए में, 4000 वाला आइटम। हाँ जी, यानी 850 रुपए के आपको वैसे डिस्काउंट और 200 रुपए की कढ़ाई। मतलब स्मार्ट गृहणियां जो है वो यहाँ आपके पास आ रही हैं, स्मार्ट गृहणियां जिन्हें बोलते हैं वो, मतलब 12-13 आपके यहाँ बिक गए, तो मतलब यहाँ खरीदारी चालू हो चुकी है। स्मार्ट गृहणियों की स्मार्ट पसंद है, ऐसे नहीं कहते गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर को सर। तो मैं आपसे कहूंगा, देखिए अगर आप इंडक्शन खरीदना चाह रहे हैं ऐसे, मतलब इंडक्शन जो मेले के साथ और मेले के बाद आपके पास रहे, तो मैं कहूंगा आइए एक बार गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के पंडाल में। आपको देखिए स्कीम से कोई भी दे देगा, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर में, क्योंकि इनका खुद का यहाँ पर सर्विस सेंटर है। मैं आपको बताता आ रहा हूँ, अगर आप कहीं से और से इंडक्शन लेते तो आप उनसे पूछिए, बार बार प्रेशराइज करके पूछिए कि आपका सर्विस सेंटर कहाँ है और पिछले वर्ष कहाँ था या उससे पहले कहाँ था। अगर अलग अलग जगह का वो बताते हैं तो ध्यान रख लीजिए कि आपको कहीं वो गुमराह तो नहीं कर रहे। क्षति नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बीच में है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर का ये शोरूम। इतना ही नहीं है, इंडक्शन भी मिलेगा, साथ में आपको 5 उपहार भी मिलेंगे, एक डीवीडी प्लेयर रोल, 10,000 का कैश अवार्ड, गो ट्रिप, ये शानदार पल्सर बाइक आपके लिए, और अगर आप ये भी नहीं जीत पाते तो लास्ट में आपके लिए विदेश जाने का अवसर है। मतलब 6 दिन और 7 रात सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया, और घूमते घूमते आप डेली बिस्तर या कूपन डाल सकते हैं। हो सकता है मेरी नहीं निकल रही, आपकी निकल सकती है, 5 स्टॉलियां डेली निकलती हैं, यानी विश्वास है तो गोल्डन लाइफ छत्ती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में आपका अपना वाला ये शोरूम। चलते हैं यहाँ से सीधे शंकर सेल्स के ब्लू स्टार के पंडाल में, जानकारी लेते हैं आज आरओ की। और आज के समय में आरओ बहुत ज्यादा जरूरी क्यों होता है ये भी समझेंगे, क्यों हो रहा है आज के समय में? देखिए सर, आजकल जो बोरिंग का पानी आता है, बोरिंग के पानी में सबसे ज्यादा आपका TDS और कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा आता है, जो आपका करीब 1000 से ज्यादा आता है pH वैल्यूज की। तो अगर आप ये ब्लू स्टार का ये वाला आरओ लगाते हैं, ये आपका आरओ प्लस यूवी है, इसमें आपके 3 फिल्टर आते हैं, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर और कैचिन फिल्टर। ये इसमें आपके प्री फिल्टर हम साथ में दे रहे हैं, जो आपका प्री फिल्टर के आपके मेम्ब्रेन और आपके फिल्टर्स की लाइफ बढ़ा देता है। सारी कंपनियां इसका चार्ज अलग से करती हैं, 700 रुपये से 800 रुपये प्री फिल्टर का अलग से लेती हैं, जो हम साथ में फ्री दे रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, आपने अपनी मशीन लगाई तो साथ में एक प्री फिल्टर पहले लग जाता है, तो आपका जो बोरिंग का पानी सबसे पहले आता है आपके प्री फिल्टर में आएगा, प्री फिल्टर से क्या जो भी डस्ट वगैरह होगी वो सारी उसमें कलेक्ट हो जाएगी आपके फिल्टर में, उसके बाद आपका मशीन में आएगा, उससे आपके आरओ की, मेम्ब्रेन की और आपके फिल्टर्स की लाइफ बढ़ जाती है। और दूसरी इसकी सबसे खासियत है इस आरओ की, इसमें आपका चाइल्ड लॉक फीचर्स दिया हुआ है, नॉर्मल किसी भी कंपनी के आरओ में आपका चाइल्ड लॉक फीचर बिल्कुल, ये क्या आपका जैसे बच्चे वगैरह होते हैं आपने नीचे आरओ लगा दिया है, उन्होंने ऐसे किया नल चालू हो गया, पानी फैलने लगा आपका, वेस्टेज होने लगा, इसमें आप ऐसे करोगे पानी नहीं आएगा जब तक आप इसको दबाएंगे नहीं, तो ये चाइल्ड लॉक फीचर्स अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है। ये जो पानी वेस्टेज होता था वो वेस्टेज नहीं होगा, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज है इसकी, किसी भी कंपनी का आरओ आप लगाते हैं तो उसमें आपका 60-40 रहता है, आपका जो फिल्टर
पानी होता है वो 40% होता है और वेस्टेज 60% जाता है, यानी 10 लीटर अगर फ्रेश पानी आ रहा है तो उसमें आपका 6 लीटर वेस्ट हो जाएगा, 4 लीटर ही पानी आएगा। इसमें आपका जो 50-50 का रेशो रहेगा, 50% आपका सेव होगा, 50% आपका वेस्ट होगा पानी। मतलब ये कहा जाएगा कि 100% जो जैसे बोलते हैं नेचुरल वाटर की तरह मिनरल, बिल्कुल मिनरल वाटर निकलेगा आपको। इसमें एक एक्वा टेस्ट एनहांसर बूस्टर भी लगाया हुआ है, जिससे आपका ये लास्ट में जब पोस्ट फिल्टर से जब पानी आपका स्टोरेज टैंक में आता है वहाँ पे एक एक्वा टेस्ट बूस्टर लगा है, जिससे वो आपके पानी का मिनरल्स वगैरह अगर कम हो गया, क्या आरओ जो क्या होता है, अगर आपका लाइन का पानी आ रहा है, बोरिंग का पानी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1000 उसका पीएच वैल्यू होता है, उसको 90% किल कर देता है। इसका पीएच वैल्यू रह जाएगा करीब 150 से 200, जो बॉडी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। आरओ आज के समय में इसलिए देखिए टीडीएस के अंदर आपने देखा होगा ना, अक्सर आप बोरिंग का पानी यूज करते हैं, जब आप कभी उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने का जो वाइट एक ऊपर जो लेयर आ जाती है वो लेयर होती है एक्चुअली, वो वाइट जो होता है वो टीडीएस होता है। अब देखिए अगर आप उसको मिनरल नहीं करती है, उसको बॉइल नहीं करते हैं, अगर आप उसको ऐसे ही पीते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके आपके शरीर में कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आजकल बोलते हैं ना ये पथरी ऐसी एक जो बीमारी चालू हो गई है, वो आपका टीडीएस से ही मेन आता है सर। जो स्केल्स होती है नॉर्मल अपना बोन्स होती है, बोन्स के ऊपर स्केल धीरे धीरे जमा होने लगता है, अपन जब ब्रश भी करते हैं तो अपने दांतों के ऊपर जो स्केल जम जाती है वो आपका टीडीएस से ही होता है। तो अगर आप देखिए आरओ यूज करते हैं, मैं तो कहूंगा अगर आप अपने शरीर पे इतना खर्चा करते हैं, खाने पीने पे इतना खर्चा करते हैं, तो एक आरओ भी होना चाहिए। आरओ से फायदे, आप एकदम स्वच्छ पानी पिएंगे और स्वच्छ पानी आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं, जिस जिनके आरओ है वो तो समझ रहे हैं और जिनके नहीं है मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ, एक बार आप आइए और समझिए कि ये आरओ चीज क्या है। और किसी भी कंपनी का अगर आप खरीदें तो मैं कहूँगा एक बार ब्लू स्टार में भी है, क्योंकि ब्लू स्टार अपना एयर कंडीशनर में नंबर एक तो है, इसके साथ आरओ भी अगर वो लेकर आया है ब्लू स्टार तो नो डाउट कहीं ना कहीं क्वालिटी तो होगी। तो एक बार आए छती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के ठीक सामने मिलेगा आपको ये ब्लू लाइन, शंकर जनरल सेल्स का ये वाला पंडाल, मतलब छती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में ब्लू स्टार का ये शोरूम। तो एक बार और धर्मेंद्र टी स्टॉल चाय एवं कॉफी पर। धर्मेंद्र भाई जय माई की। हाँ बताए आप कैसा, क्या बहुत बढ़िया शानदार है या चाय कॉफी शानदार? कुल्लर तो सब जगह मिल जाएंगे, चाय का मिलेगी। अच्छा कुल्लर तो वैसे आपको सब जगह मिल जाएगा, कुमार का कुल्लर तैयार होता है कुमार के यहाँ, लेकिन इसके अंदर जो स्वाद आएगा चाय का वो शायद लगता है धर्मेंद्र भाई के यहाँ, मतलब ये कुल्लर आने के बाद चाय का स्वाद बढ़ जाएगा। कॉफी भी इसके अंदर अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, पक्का एकदम आप पी के देखो एक बार। चलिए आज मैं टेस्ट करूंगा कुल्लर में कॉफी कैसी लगती है। मैं तो ये कहूंगा एक बार आइए आप धर्मेंद्र भाई के कुल्हड़ की कॉफी भी पी के देखिए, छती नंबर 2 पे है ना धर्मेंद्र भाई का। और मैं पुनः कहूंगा, फिर से कहूंगा, अगर आपको कोई हरारत है, थकान है तो धर्मेंद्र भाई की चाय पी लीजिए, वो वैसे ही आपका 80% 70% दूर हो जाएगा छती नंबर 2 पे अपने धर्मेंद्र टी स्टॉल एवं कॉफी सेंटर पर। क्या नाम है आपका? राजू बातम। रूपा बातम। आप कहाँ रहते हो? तारागंज। तारागंज में। और आप कहाँ रहते हो? तारागंज। तारागंज में किस जगह? महावीर चौक में। महावीर चौक में। और आप? महावीर चौक। आप महावीर चौक पे, आप भी महावीर चौक पे रहते हैं? हाँ। अच्छा महावीर चौक पे किधर है आपका मकान? महावीर चौक में माता वाली गली में। माता वाली गली में। और आपका? माता वाली गली। माता वाली गली में। अच्छा तो आप लोग पड़ोसी हैं? अच्छे नहीं नहीं हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ आप लोग? आप हस्बैंड वाइफ आप दोनों? हाँ। सच्ची में? हाँ। जरा प्रूफ करके दिखाओ आपकी भाई पे जी ना बच्ची। अरे बच्चे से क्या मतलब है? बच्चे से क्या मतलब है बताओ ना, प्रूफ करके दिखाओ आपकी पत्नी है? नहीं, बीवी है मेरी। अरे तो आप ये आप कह रहे हो बीवी है, हम कैसे मान लेंगे आपकी बीवी है? तो मैं कैसे बताऊं? अरे प्रूफ करना पड़ेगा ये आपके पति है। हाँ। बॉयफ्रेंड है? नहीं पति है। पति है? बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है तो ये गर्लफ्रेंड है फिर? नहीं। तो बॉय ना? हाँ। तो बॉयफ्रेंड भी तो हुए आपके, तो आप इनको प्रूफ कर सकते हैं आपके पति है ये? हाँ। कैसे? फोटो दिखा देंगे। फोटो कहाँ है? फोटो है मोबाइल में अभी। मोबाइल से फोटो से क्या मतलब है? या तो कोई भी, हाँ किसी के संग में भी फोटो खिंचा लो। नहीं। चलो क्या करके दिखा रहे हो आज? गाना सुनाऊंगा। गाना सुनाओगे आप भी? मिलके सुना दे। अच्छा मिलके सुनाओगे? सारे काम मिलके करते हो आप? नहीं सारे काम मिलके करते हो आप? हाँ। अलग अलग कोई काम नहीं करते? चलो गाना भी मिलके सुना दो। सुनो। हाँ पास में आ जाओ, डर गए रहे तो मैं ऐसे चुपक के सुना। तुम जो चले गए तो
होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। आराम से धर्मेंद्र बन जाओ और इनको देख के गाओ, ये बिल्कुल लगना चाहिए धर्मेंद्र इनको देख के गा रहे हैं, हम मान ली को देख के। तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं। अरे भाई जी तो शर्मा गई, देखो तो सही कैसे शर्माई है भाई जी, है ना। एक साथ दस सालों से एक साथ रह रहे हो आप? हाँ। तो उससे पहले अलग अलग कहीं रहते थे? हाँ, मम्मी पापा के पास रहते थे। ये डबरा रहती थी, मैं तारागंज में रहती। अच्छा, ये डबरा रहती थी आप? हाँ। तारागंज। तो यहाँ ये किराए के मकान में आई थी क्या? नहीं नहीं, मेरे घर में आई है। आपके घर में कैसे आ गई? मतलब आपने किराए पे रखा था इनको? शादी करके लाया हूँ। अच्छा, शादी करके लाए हो तो? हाँ। घोड़े पे बैठ गए थे इनको लेने? हाँ, घोड़े पे। अच्छा, घोड़े पे बैठ के यहाँ से तो बस से गए थे, वहाँ से घोड़े पे बैठे। वहाँ से घोड़े पे बैठ के गए थे? हाँ। घोड़े पे बैठ के गए थे। और जिनकी शादी हो गई है वो काय पे बैठ के गए थे? काय पे गए थे? काय पे गए थे बैठ के? घोड़े पे। घोड़े पे, घोड़े पे गए थे? काय पे गए थे? घोड़ी पे गए थे। ये देखो कैसा वाले है भाई जी को, काय पे गए थे? घोड़ी पे। घोड़ी पे बैठ के कोई जाते हैं? पता नहीं, घोड़ी की जगह घोड़ी पे बैठ के कोई जाते हैं? पता नहीं, नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम देखते हो? हाँ। चलिए, मैं भी आपको, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। सच्ची में अच्छा लगता है? रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। मैं भी आपको भी गिफ्ट दे रहा हूँ। हाँ जी भाभी, क्या नाम है आपका? सरिता कुशवा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? छतरी मंडी। छतरी मंडी, छतरी मंडी में रहते हैं आप? क्या सुनाएंगे आप? भजन। भजन सुनाएंगे आप? मंदिर में आप आ चुके हैं और भक्तगण भी बैठे हुए हैं, सारे भक्तगण आपका इंतजार कर रहे हैं, भजन चालू करिए। आया गोकुल नगर आया गिरजा काबर डाले झोला, आड़ू की मांगे खड़े बम बम भोला, कोई उनकी तो दिल की सुना दो जरा, को तो दिल की बता दो जरा, लालन के दर्शन करा दो। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे मुस्कान, मुस्कुराती हुई मुस्कान, आज भी डांस? जी सर, डांस। हाँ, ये छोटी सी, अच्छा कितने साल की थी बेटा तुम जब मेरे प्रोग्राम में आई थी? शायद 6-7-8 के साल। 6 साल की। अब कितने साल की हो? अब तो 14 की। 14 की हो गए आप, छोटी सी बच्ची आई थी, अब तो बड़ी बच्ची हो गई है। चलिए मैं भी आपका डांस कवर करता हूँ। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी नाम है आपका, वेरी गुड। किसने रखा था? मम्मी ने। मम्मी ने कि पापा ने? मम्मी ने। पक्का? कॉन्फिडेंट हो? विद्या रानी कदम खाओ, मम्मी ने रखा था। विद्या रानी, मम्मी ने रखा था। आपने रखा था? हाँ। और पापा ने नहीं रखा? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। अच्छा, एक ही बात है, क्या सुनाओगे आप? सॉन्ग। सॉन्ग सुन मेरे, जोर से सुनाओ बेटा, फिर तो आवाज आए, माइक तो मेरा कवर कर लेता है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि मेरी गलियन में इस कदर रहूंगा बस वही उम्र भर कर। सुन मेरे हम सफर, शर्मा के आप गाओगे तो कैसे काम चलेगा? माइक तो मेरा प्रॉपर आवाज, आपको आवाज आ रही थी क्या? गा रहे थे? थोड़ी और। आपको आ रही थी क्या? कम आ रही थी आवाज, कम आ रही थी आवाज, कम आ रही थी। वॉल्यूम बढ़ाओ ना, ये सबको आवाज आए जब, तो एंजॉय करें। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांस चल ही जिगर। पढ़ ले हो? किस क्लास में? 10th। 10th में हो आप? कितने सालों से? एक अभी साल, पहली साल है। अच्छा, पहली बार आए हो 10th में? इससे पहले कभी नहीं आए थे? नहीं। अच्छा, तो किस सन में आए थे आप? 2017 में आए थे आप? अच्छा, 10th में? हाँ, 17 में। 17 में आए थे, अब क्या चल रहा है? 18। तो कितने साल हो गए? एक साल। कैसे? न्यू ईयर निकल गई। 16-17 कितने होते हैं? 16-17 कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? 33। नहीं मालूम? 33। 33 होते हैं, 16-17 33 होते हैं, 2 साल हो गए ना आप?
एक साल हुआ है। चल मैं भी आपको गिफ्ट देता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है? अनीता जादू। कहाँ रहते हैं आप? हजीरा पे। हजीरा पे रहते हैं। तो क्या सुना रहे हैं आप? माता का भजन। माता का भजन। सारे भक्त फिर से तैयार, सभी लोग अध्यात्म की ओर चलते हैं। मंदिर में प्रवेश एक और हमारी आदरणीय का हो गया है। आइए भजन चालू करिए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दो मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरू ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। बहुत शानदार। बोलिए राधा मैया की। राधा मैया की जय। हाँ, हम लोग मंदिर में बैठे ना, आपने भजन सुना है, भक्तगण आप सभी लोग भक्तगण हैं, आनंद लिया होगा आपने भजन का। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने इतना शानदार, आपने सीखा है ये भजन? हाँ, हम गाते रहते हैं। अच्छा, गाते हैं आप जगह जगह? मतलब नहीं नहीं, वैसे नहीं गाते, अपने घर पे गाते। घर पे ही गाते हैं? जैसे मंदिर। आप कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। दो बच्चे। शादी हो गई आपकी? शादी हुई, जब तो बच्चे हुए, और कैसे हो जाते बगैर शादी के भैया। आप अध्यात्म से जुड़े हुए ना? हाँ हाँ। संत लोग जो होते हैं उनको शादी दीन दुनिया से क्या मतलब? हम इतने बड़े संत भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, साहब आओ आगे आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू बाबा है। राजू बाबा हैं आप? आइए आगे, हम देखें कैसे बाबा हैं। क्या करते हैं आप? मैं भगवान की सेवा करता हूँ मंदिर में। अच्छा, भगवान की सेवा मंदिर में करते हैं? हाँ जी। कौन से वाले भगवान जी की? मैं राम जी की सेवा करता हूँ। आप राम जी की सेवा करते हैं? जी। ये ऐसा नहीं है तो रामायण भी आपको पूरी आती होगी? पूरी नहीं आती है साहब, कुछ थोड़ी कुछ बहुत तो आती है। राम जी के सेवक हैं, हनुमान जी के नजदीक हैं आप। सूपना खां का चक्कर क्या है? वो सूपना खां का मतलब, सूपना खां वो जिंदा है या मर गई? सूपन खा तो जब ही खत्म हो गई, अब कहा सूपन का कहा है। वैसे कहां पे खत्म हो गई? कहां पे? कहां पे? वो तो राम जी ने खत्म कर दिया। कब? वनवास के लिए गए थे राम, वनवास के लिए जब गए थे राम जी, तो उनको सुपनखा मिली थी, जब उन्होंने उसको उन्होंने खत्म कर दी। काय से चक्कू अक्कू मारा था या तीर मारा था? चक्कू नहीं, तीर मारा था। तीर कम मारा था? आज तक पता नहीं लग पाया है कि सुपनखा में तीर कैसे लगा था। ज्ञानी ध्यानी आदमियों को ढूंढता रहता हूँ। वैसे आपके शिष्य भी बहुत होंगे? मेरा कोई शिष्य नहीं है। अच्छा, कोई शिष्य नहीं? कोई भी शिष्य नहीं है, मैं खुद ही शिष्य हूँ। हाँ, खुद ही शिष्य। अच्छा, आप खुद ही, आपने अपना नाम है? ये तो मेरा घर का नाम है, वही मेरा नाम चल रहा है। कोई बात नहीं। वैसे सुपना खा गई का, और अगर राम जी ने भी मारा तो किस वक्त मारा था सुपना खा? जब राम जी वनवास को गए हैं तब उनको लेके गए हैं ना विश्वामित्र जी। हाँ, सुपन खां से उनका वो हुआ है, तब उन्होंने सुपन खां रामन की बहन थी। सुपना खां शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा थी। अच्छा। हाँ, और वो उसने ही रामन के उसका विनाश का कारण वही बनी। अच्छा, वही बनी? वही बनी रामन के विनाश। ये बात तो ठीक है, लेकिन सुपना खां उसने भी तो अमृत पिया था ना? पिया था कि नहीं पिया था? ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं बता देता हूँ। वो तो कितने भाई थे रावण? रावण तीन भाई थे। और बहन कितनी थी उनके? यही एक बहन थी। एक बहन थी, तो चारों ने अमृत पिया था ना? विभीषण जिंदा है कि नहीं आज भी? विभीषण जिंदा है। जिंदा है ना? एक विभीषण जिंदा है ना? क्योंकि उन्होंने अमृत पिया था इसलिए वो जिंदा है। आज भी वो पूजा करते ना बद्रीनाथ में, भोलेनाथ की। अब कुंभकर्ण को भगवान राम जी ने मार दिया, रावण को राम जी ने मार दिया, तो वो सुपना खां का क्या चक्कर है? अमृत तो उसने भी पिया था, उसको कब मारा, किसने मारा? 20वां साल है मुझे। वैसे एक चीज बता दूं, बहुत लोगों को मालूम है। वैसे आप प्रोग्राम देखते हो टीवी पे? बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। हाँ साहब, ये क्या नाम है आपका? डैनी। डैनी। डैनी नाम है आपका? डैनी। हाँ, डैनी। डैनी नाम है? डैनी। ये झूठ बोल रहा है। किसने रखा था आपका? दूध वालों ने, क्योंकि फैनी दूध में डालते ना। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यही नहीं है वो?
इधर रियल है। हाँ रियल है, खींच के नहीं देखना। अरे खींच के नहीं देखो, बिग नहीं है वो। कल वो उसकी वो बहन आ गई थी, वो टैलेंट पेश के बहन आ गई कल उसकी, जो ही बेकार में टैलेंट पेश करता है वो। अरे अरे भाई साहब अब नहीं करूंगा चेक। ये भी कौन है बाल मैसू मू नहीं। ये तुम क्यों हंस रहे हो? ये तो है ही, मेरी बात सुनो, ये तो है ही पप्पू। तुम क्यों पप्पू बन रहे हो इनके साथ? भाई साहब ये 100% है, ये 90 है, अभी इनमें 10% और रह गया है। काय में लग गए यार। नाम साहब? संजय मुरैना। संजय कहाँ रहते हैं आप? मुरैना से आए सर। मुरैना से आए तो मुरैना में भी मेरा ये कार्यक्रम बिल्कुल देखो हमारा। देख रहे हैं आप वो डीजियाना 200 नंबर पे? हाँ हाँ सच्ची में देख रहे हो? सच्ची। और मोड़ा दिखा दो मोबाइल पे। मोबाइल पे और टीवी पे चल रहा है वहाँ? वो टीवी पे देख रहे हैं, मोड़ा मोबाइल पे। मोबाइल पे ही और टीवी पे दो जगह। वो टिंकू भैया है हमारे, मुरारी भैया है वैसे, मुराना ऑपरेटर। अच्छा अच्छा। एम सी एक चैनल चलता है ना वो, एम सी उसमें। क्या सुना रहे हैं आप? लोकगीत है। लोकगीत है। एक माता जी रहते हैं तो मेरा तेरा करवे करते हैं, तो वहाँ को बड़ा मोड़ा कहते हैं के अरे को भजन कर ले री डुकरिया, राम भजन कर ले री डुकरिया। अब आगे मम्मी कहते मेरा तो मन माया में बसा तू है, मेरा तो मन माया में बसा तू है, आ जाएंगे बढ़िया माया ले जाएंगे डुकरिया, हर को भजन कर ले री डुकरिया, मेरा तो मन लड़कने में बसा तू है, आ जाएंगी बउआ लड़का छूटेंगे डुकरिया। और कौन सा है? बस ये गीत है बस भैया। एक ही है बस? एक ही है? एक ही है। और हाँ कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। चलिए बहुत अच्छा। बताओ तो आप बदतमीजी क्या कर? क्या हो गया? मैं इसके पीछे कर रही थी, धक्का पीछे कर रही थी तो आगे आना आ रहे। मैं कोई नहीं कर रही थी भाई, इससे पूछना जरा क्या कर रहा हूँ। तो फिर आप क्या करा? तो फिर आप कुछ नहीं किया मुझे क्या? मैडम आप एक मिनट, एक मिनट, नहीं इसमें मिनट नहीं, एक मिनट अरे क्या इसमें किया बेटा? अगर इन्होंने किया तो इसने किया, मैं ये टच कर रहे थे, मैं कागज छेड़ा जारी कर रहा भाई साहब यार, मैं ये बदतमीजी क्या कर रहा था? बदतमीजी मैं लगता है इस मेले में कोई बदतमीजी करने के लिए खड़े हैं। आप बदतमीजी कर रहे थे, बता दे रहे थे दोनों हैं, दोनों मैं आई निकल कर यहाँ पर, मैं आई निकल के यहाँ पर तो वो मैं अरे हट जाओ थोड़ा। दो मिनट कर रहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, झूठा आरोप लगाएंगे। इन्हें डांट रहे थे ये लोग, इन्हें डांट रहे थे तो मैंने ये बोला कि कोई मैटर नहीं है, दो मिनट मेरी बात बीच में आ रहे हो चुपचाप निकाल दो। वो पागल है जो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे? अब ये तो नहीं कंफर्म है, लेकिन वो भाई साहब से बोल रही थी, मैंने बोला कि दो मिनट का शो है, मैंने कि दो मिनट हो जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं सब चले जाएगा। अब वो उनसे छूट के मेरे को बोलने लगी, किसी ने कुछ नहीं किया। किसने किया है आपके साथ? आप बताओ ना किसने किया? दोनों ही साथ में मिले हुए हैं, पता नहीं बदतमीजी है दोनों साथ में थे। लेकिन ये अगर आप शोरूम पे काम करते हो, मेरी बात सुनो। अरे सर मैं, अरे नहीं एक मिनट, अगर आप शोरूम पे काम करते हो मतलब गर्ल्स को छेड़ोगे आप? सर मैं नहीं छेड़ा, वो झूठ बोलेगी वो सर। सर मैं नहीं कर रहा हूँ, किया होगा मैंने नहीं किया सर। आपने इनको क्या रोका फिर? अरे तो मैं रोकूंगा, डांटा ना मतलब हाथ दोनों मिले हुए मिलके गल। अरे सर मतलब ऐसे सर ऐसे आप क्यों कह रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं करिए हमने बताई ये बात क्यों कर रहे हो? कौन है, कौन बोल रहा है आप? नहीं मैम सर, कोई किसी से बदतमीजी नहीं करी यहाँ पे, केवल आरोप लग रहे थे, मैंने पकड़ा इनको, कह रहे थे तुम। एक मिनट इधर आओ, इधर
तुम भाग रहे थे बदतमीजी करके। अरे सर मैं कहा आपके शोरूम पे कई बार आ चुका हूँ, अच्छी बात है मैं आ चुका। मुझे ये कह रहा है तुम ये काम करते हो, हाथ हाथ थोड़ी लगाया जाता, छेड़छाड़ी कर रहे यार। मैं ऐसे लगा रहा हूँ, हाथ लगा लो, रिकॉर्डिंग देख लो ना अगर मैंने लगाई हो तो। ये मेरे को कह रहा था धक्का दे रहा था, मैंने आपसे बोला था कि मेरे को ये कर रहे थे क्या, ये बोला है 2 मिनट कोई बात नहीं, ये कर रहे थे क्या, पीछे के लिए बोल रहे थे ये मैंने कर रहे थे क्या, मैं इनसे बोल रही थी। सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती आप फालतू बना रहे हैं। जबरदस्ती क्या होता है, वो आरोप लगा रही है आप कर रहे हैं। सर अच्छी बताओ, वो बोल रही है क्या मैंने किया है, आप बताइए ना। जबरदस्ती बोल रहे हैं ये छेड़ रहे थे, मतलब वो बोलो तो ऐसा यार क्या कर रहे हैं अपन जबरदस्ती। अंकल एक चीज और, पहले बात तो सुनो, पूछे जबरदस्ती से नहीं है, कौन भगा था, भागे क्यों? मैं सर नंबर ही नहीं आया था, ये आगे आगे मैंने से पूछा आप क्रू मेंबर हो क्या, उन्होंने कहा हां मैं हूं, मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं बस। नहीं छेड़ा सर, आप किसकी कसम खा सकते हो कि आप? अपने माँ बाप की कसम खा सकता हूँ, इससे बड़ी बात और क्या कर सकते हो? आपने नहीं छेड़ा है, भगवान की कसम खा सकता हूँ। भगवान की कसम क्या होती है? प्रूफ के लिए मैं अपना मर्डर कर लूंगा, विश्वास नहीं मान रहा आपको। अगर आपको ले आएंगे अच्छा लगेगा? सर मैं कह रहा हूँ मैं क्या करूँ, आ रहे हैं वो पुलिस वाले अंकल आ रहे हैं, अगर आपको ले आएंगे अच्छा लगेगा आपको? सर मतलब नहीं किया ना, मैं कह रहा हूँ आरोप लगा रही है। आपने किया है क्या? नहीं किया सर, सच में नहीं बोल रहे आप, मुझे नहीं कदम कर सकते। अब मैं किसकी कसम खाऊं आप बताओ सर? वो तो मना कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। किया किया तो उसके दिखाइए। नहीं किया नहीं किया। अरे यार सर आप कोई बात नहीं है भैया, झटका हो तो नहीं, कोई बात नहीं है। टेंशन में आ गए, क्या हो गया इधर, हो गया इधर, क्या हो गया आपको, झटका लग गया? हाँ भाई मिनट ऊपर नीचे हो गई, क्या हो गया, पसीने आ गए क्या, पसीने आ गए क्या? सही बात, कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनो, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हो, झटका में आप शामिल हो गए। क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी सर। राहुल तिवारी, अपना आराम से कूल हो जाओ आप। अंशुल आज शुक्रवार को तो सिंगर आते हैं, तो आज अंशुल भी आया है जी, बिल्कुल, बहुत शानदार और बहुत प्यारा गाता है, सीख रहा है ना, जैसे मेरा चेला है ये भी, तुम्हारा चेला है, ये गुरु है तुम्हारे, बन गए हैं अभी अभी। अच्छा अभी अभी बन गए हैं। बहुत होनार है, बात मानता है, सुबह शाम रिहर्सल करता है, उसका प्रूफ आपको भी मिल जाएगा। चलो अंशुल, कोई एक ऐसी चीज, वैसे गला तुम्हारा ठीक नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन ऐसी चीज जो आज याद आप बने, ठीक है, वो तेरे नाम मूवी का गाना सुनाता हूँ मैं। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, ओ जिंदगी का गुजारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम। बहुत शानदार, देखो तालियां मिलेंगी यहाँ पर, थैंक यू। हाँ ये देखो आप पीछे देखकर तालियां अपने आप आ रही है, तो मैं कहूंगा अच्छे कलाकार के लिए ताली तो बनती है, ताली ही कलाकारों का हौसला बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, धन्यवाद। तूने सिखाया है? हाँ ना, हाँ तो गा के दिखा, कितना चल गा, बोल तेरे नाम बोल। हम गाते नहीं, सिखाते हैं। गा के तो सिखा, सिखाएगा कैसे, नाक से सिखाता है, सांसों से? ये कौन है बोल, ये मेरे को नहीं मालूम, मैं कोई भी हूँ, तो पहले सुना तेरे नाम जो ने एक लाइन बोली। गा दूंगा मैं, हाँ गा तू, गा गा, मैं गा दूंगा। अगर नहीं गाया ना तो तीन पड़ेंगे, सोच ले क्या हाल होगा। इसे हटा दूं, मैं गा दूंगा। हाँ वो देखे लाल मुंह वाले बंदर पीछे से कैसे होते, वैसे बनेगा आज तू, गा गा दूं। हाँ यही वाला, अरे फटे बस। तेरे नाम हमने किया है, गुरु है भाई साहब, ये पकड़ के मेरे सर में मार दो, दो तीन, इससे अच्छा मर जाऊं, ऐसे गाने सुनने तो अच्छा, मैं दूसरा गा रहा हूं। अपने आप मेरी बात सुनो, ऐसे पकड़ो ऐसे। हाँ
कंटिन्यू करो ऐसे कंटिन्यू कर देना ऐसे ऐसे 12-13 कर देना नहीं हाँ ये करते जाओ 12-13 राहुल तिवारी सर झटका वास्तव में लग गए थे रियल में सर सच्चे दिल से शॉकिंग हो गए थे 100% सर किसकी कसम जिसकी कसम खाऊं वही कम है सर एक आपके लिए झटका हो विशाल विंडो कूलर स्लिप बेल मैट्रेस से रख लो एक आपके लिए ये उपहार है झटका खा के जा रहे हो ना आराम से टीम कौन बताएगा हाथ खड़ा कर लो मैं उससे पूछ लूंगा बताओ अभी इसमें नया मॉडल आया है 3500 रुपए से लेके वो 3500 रुपए से लेके इसमें पुराना मॉडल लेके आओ नया ले जाओ नहीं बताइए गोल्डन लाइफ की स्कीम आप प्रोग्राम देखते हो ना टीवी पे हाँ देखते हैं हाँ तो बताओ ना क्या है गोल्डन लाइफ में एक बार खरीदो 5 बार जीतो हाँ और छतरी नंबर 3 कश्मीर गेट के पास और मतलब 10,000 का इनाम है और क्या है बेटा बताओ आप नहीं बताना तो पड़ेगा बताइए इसमें 10,000 का अवार्ड है 2 पल्सर है और घूमने का ट्रूथ है थाईलैंड से मलेशिया और क्या कर सकते हैं इसमें और इसमें जो ना इस पर ना खाना बना सकते हैं आसानी से और इस पर एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से बेटे MIS स्कूल शिप्री लिंक रोड मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है स्विमिंग पूल है और बच्चों के सारी सुविधाएं हैं और सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे डोनेशन है जो फ्री है डोनेशन फ्री है और उसका CBSE नंबर 10-30-93-09-97 एक आपके लिए MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल से काला चक्की फ्रेश आटा की इसकी रोटी बढ़िया बनती है सॉफ्ट बनती है आप बताओ ना बहुत सॉफ्ट बनती है इसकी क्या कहते हैं अच्छा भी है और मालवे में भी बहुत सॉफ्ट आटा है मालवे में भी सॉफ्ट होता है इस्तेमाल किया है इस्तेमाल किया है सच्ची में इसमें रवा सूजी मैदा सब आ रहा है हाँ अब तो बेसन भी आ गया बेसन भी एक आपके लिए रख लो गालब चक्की फ्रेश आटा है ये पद्मश्री कहाँ मिलती है ये सब दुकानों में मिलती है और कहाँ पर पद्मश्री सभी दुकानों पे मिलती है इसमें काफी अच्छी चाय है इससे पीने से बहुत अच्छी लगती है अभी बिल्कुल ग्वालियर में सब जगह कंपनी है ये पद्मश्री RIT कंपनी मिलती है नया बाजार हाँ पद्मश्री RIT कंपनी नया बाजार एक आपके लिए मुरैना में रह के आपने याद कर लिया और आप ग्वालियर में रह के नहीं बता पा रहे मुरैना में भी मिलती है मैं दे देता हूँ हाँ सूपना खाका तो आप बता नहीं पाए हाँ आप ही बता दो आपने तो इतना शानदार बयान सुनाया आपको भी नहीं मालूम रावण की बहन कोई बात नहीं आपके लिए रख लो ये ताजमहल पोहा से एक आपके लिए और जो बता देगा ये भोग रहा है नमकीन हाथ खड़ा कर दीजिए बताओ बेटा अजीरा इंडा के दान रणवीर पिंटू पार्क कहाँ रहते हो नदी पाटल मार ये प्रोग्राम देखते हो एक आपके लिए रख लो भोगरा से चाहिए एक आपके लिए ओस बुटीक कविता सोनी जी की तरफ से एक एक आपके लिए और आपके लिए रखो एक आपके लिए आपके आपके और एक आपके लिए MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल से एक आपके लिए और है आपके लिए भी है
आपने कितना सही काम, ये जुगाड़ सही है। एकदम अब मैं आपको एक भी गिफ्ट नहीं दूंगा, एक भी, एक आपके लिए, एक आपके और एक आपके लिए, आपके लिए रख लो ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए और आपके लिए, आपके लिए एक, सॉरी आपके लिए एक भी नहीं दूंगा, एक आपके लिए, आपके लिए एक, आपके लिए और एक आपके लिए, आपके लिए भोगराज नमकीन से एक, एक आपके लिए, आपके लिए आपको नहीं दूंगा, एक आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए और एक आपके, आपके लिए। कौन सा शूज है ये, कौन सा है? रीडाज। और कहाँ मिलता है? हर दुकान, हर शॉप पे मिलता है। एक आपके लिए, आपके लिए भी रीडाज से, आपके लिए पंडित जी आपको नहीं दूंगा, एक आपके लिए, आपके लिए एक, आपके लिए और एक आपके लिए रीडाज से, एक एक और विशाल विंडो कूलर और विशाल अलमारी से, एक आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। और तुमने कैसे जल्दी जल्दी बेहद में गुजरे, कितना नुकसान कर लिया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी। जैसे सूपड़ा खा की नहीं है ऐसे इसकी नहीं है, फिर तभी तो नहीं दे रहा हूँ। एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए और एक आपके लिए रख लो, एक आपके लिए। पद्मश्री चाय से आपके लिए, आपके लिए है, एक आपके लिए भी आरआईटी कंपनी नया बाजार रखो, आपके, आपके लिए, आपके लिए और एक आपके, आपके लिए और है। बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन धर्म सड़क मुरार से, एक आपके लिए, आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए है, आपके, आप कहाँ पर है ये? बिंदल धर्म सड़क मुरार, एक आपके लिए, आपके लिए। अग्रवाल फोटो फ्रेम से एक एक आपके लिए और, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है, आपके लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए और है मेरे पास। भागीरथ प्लाजा ये छतरी नंबर 8 पर, सही झटका खाए हो आज लाइफ में, ऐसा झटका का बार लगा है क्या? फर्स्ट टाइम सर, फर्स्ट टाइम में झटका खा गया और इतना बड़ा इनाम आपको मिल गया है। एक आपके लिए है मेरे पास, रख लीजिए। भागीरथ प्लाजा से एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भागीरथ प्लाजा से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भागीरथ प्लाजा छतरी नंबर 8 से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन बच्चे हैं, लड़कियां हैं तीन। तीन लड़कियां हैं, कोई बात नहीं। सच्ची में आपकी शादी हो चुकी है? सच्ची। एक आपके लिए है कि स्मार्ट पसंद, जोर से बोलिए। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर, कितने सालों का विश्वास है? 12 सालों का। एक रख लो आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए भी, आपके लिए, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए है। अब अगली बार याद करके आना, सूपना खा कहाँ गई। एक आपके लिए, आपके लिए भी है, आपके लिए, आपके लिए गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए है। एक एक और है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री, ये चॉकलेट, एक एक आपके लिए रखो। ताजमहल पोहा से एक आपके लिए, आपके लिए भी है। पंडित जी आपके दांत खराब हो जाएंगे। एक आपके लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, एक कर लो, हमें क्या दिक्कत है, कर लेना खराब। एक एक और श्री अचिलेश्वर सीएनसी राउटर, कहाँ पर है बेटे? दाना वाली टक्साल गली। एक आपके लिए राजा के ये बिस्किट, एक आपके लिए। पंडित जी आपने तो मना कर रहे थे कि आप बिस्किट नहीं खाते। नहीं, आप खाते नहीं हो ना बिस्किट? कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी खा लेते हैं आप बिस्किट है, वैसे पूछ रहा था। एक आपके लिए रख लो श्री अचिलेश्वर सीएनसी राउटर अमूल्य गुप्ता, कहाँ पर है ये? दाना वाली टक्साल गली, हाँ, इंटीरियर अमूल्य गुप्ता जी की ओर से ये राजा के शानदार आपके लिए बिस्किट। जब आपका हुकुम चंद, एक आपके लिए ये मेले का प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी हाँ। एक आपके लिए रख लो बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, नाम नूर रखो। एक आपके लिए बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से आइए। क्या नाम है भाभी जी? शर्मा रहे, कोई बात नहीं है। नाम नहीं मालूम, इधर आओ भाभी जी, नाम क्या है आपका? आरके जैन। एक आपके लिए रख लीजिए बिंदल फैशन, रखिए पकड़िए। एक आपके लिए है, नाम आपका? सुषमा राकर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आप? हाँ। एक आपके लिए रख लो बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, क्या नाम है आपका? रुखसार। एक आपके लिए रख लो बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, क्या नाम है आपका? बीएल गौरिया। एक आपके लिए रख लो बिंदल से, इधर क्या नाम है आपका? रिंकी। एक आपके लिए रख लो बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन। चलते हैं दोस्तों यहाँ से सीधे विशाल विंडो कूलर अलमारी के शोरूम में। आज जानकारी ले लेते हैं रिमोट वाले कूलर की। भैया एक बार थोड़ा सा विस्तार से बताइए, रिमोट वाला कूलर क्या है, क्या ये? भैया लोहे के अंदर जो रिमोट वाला कूलर आया है वो पहली बार विशाल विंडो कूलर कंपनी ने निकाला है। इसका आप रिमोट भी देखेंगे तो बिल्कुल देखने में काफ़ी सुंदर है। 10 स्पीड की रिमोट में काम करता है ये। इसमें पंप टाइमर है, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, पंप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें मेन जो शिकायत कस्टमर को रहती थी कि 3 स्पीड से ज़्यादा इसकी स्पीड वेरिएशन नहीं आता,
तो वो हम लोगों ने इसमें 10 स्पीड में करके मतलब दिया। ह्यूमिडिटी का मतलब ये हो गया कि मॉइस्चराइज, जब पानी पड़ता है उस समय ह्यूमिडिटी होती है सर, तो ये कूलर 5 मिनट पंप बंद रहेगा और 10 मिनट चालू रहेगा, तो वो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक मतलब ऑटो में अगर उसको डाल देते हैं। एक बार ये डिस्प्ले पे भी कवर करता है सबरा? बिल्कुल भैया, डिस्प्ले पे जैसे ऑन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एक ये दो हो गई स्पीड। बिल्कुल भैया, और इसको अपन कम कर सकते हैं, 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर। हाँ वास्तव में कम होता जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिनिमम स्पीड पर चलने से फायदा ये होता है कि भैया स्पीड कम और कूलिंग ज़्यादा, तो ये काफ़ी अच्छा है। इस पर रिमोट का हम लोगों को बुकिंग अच्छी मिल रही है, अच्छी मिले। अक्सर ये होता है कि आप और अपन, मतलब मैं भी आपकी तरह आलसी हो गए हैं, एक बार अगर बेड पे पहुँचते हैं और उसके बाद फिर रिमोट आपका अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो कूलर के संग में ज़्यादा समस्या होती थी। बिल्कुल, अगर ठंड लग रही है तो कौन उठ के बंद करे? इसमें ऑफ टाइमर भी है, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह ठंड लग रही है कूलर बंद करना है, तो आप 6 बजे का टाइमर लगाइए, सुबह 6 बजे कूलर अपने आप बंद हो जाएगा। ये तो बहुत काम की चीज़ है भाई, मैं तो ये कहूँगा आके देखिए, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में पहली बार है, इंडिया के कूलर में पहली बार ही निकला है सर हिंदुस्तान में। बिल्कुल सर, यूं ही थोड़ी नंबर एक विशाल विंडो कूलर वो बोला जाता है, हिंदुस्तान में पहली बार कोई नई चीज अगर कोई लेकर आया है तो विशाल भैया यहाँ पर विशाल विंडो कूलर के साथ। मॉडल्स तो यहाँ बहुत है भैया, मॉडल सब है, रिमोट वाले के अलावा 15 इंची कूलर है, 18 इंची कूलर है, नागपुर मॉडल है, डक मॉडल है, और सबसे ज्यादा जो हम लोग इसको हैंग करके दे रहे हैं तो रिमोट वाला कूलर भी हम लोग हैंग करके दे रहे हैं भैया। ये रिमोट वाला भी मतलब आप हैंग करके दे रहे हैं? हैंग करके देंगे भैया। और एक्सचेंज ऑफर? एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भैया, लाइफ टाइम सर्विस चल रही है, मेले में केवल 200 रुपए से बुकिंग करके 15 मार्च तक हम लोग उसकी डिलीवरी दे रहे हैं भैया। फिर भाई बोलूंगा बिटिया की शादी है या भतीजी की है, वो कार्ड दिखाना पड़ेगा सर, शादी वालों के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने मई की एक शादी बुकिंग करी अलमारी कूलर की, उन्होंने शादी का कार्ड दिखाया, मैंने कोई बात नहीं आपकी बात का सम्मान रखते हुए हमने उनको बुक किया भैया। तो चलिए, अगर आपके शादी है और अगर आप बिटिया को रिमोट वाला कूलर देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आइए और देखिए, अगर नहीं भी लेना तो भी आके देखिए, धूम मचाइए इनके शोरूम में, आके उनको परेशान करिए, नई चीज लाए आप भी समझिए। ये 36 नंबर 1 पे है विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी का शोरूम। जैसे शहर में कोई मतलब इनका अन्य शोरूम नहीं है, है तो सिर्फ हरिप्रिया कॉम्प्लेक्स नहीं तो ग्वालियर के व्यापार मेले में है। ये 36 नंबर 1 आपको यहाँ से दिखती है, वहाँ से जब आप आते हैं तो बिल्कुल ऐसे घूमेंगे तो आपको मिल जाएगा विशाल विंडो कूलर अलमारी का शोरूम। जैसा हाँ मेला चला है पार्ट 2 नहीं है, वैसी विशाल विंडो कूलर भी कोई पार्ट 2 नहीं है, हरिप्रिया कॉम्प्लेक्स सूट पुल के पास या ग्वालियर व्यापार मेला 36 नंबर 1 पर मिलेगा आपको विशाल विंडो कूलर और विशाल अलमारी का ये शोरूम। चलते हैं यहाँ से सीधे भागीरथ प्लाजा शोरूम के अंदर। फर्नीचर बोले तो भागीरथ प्लाजा, ये आप देख रहे हैं इनके शोरूम का नज़ारा भी है जो मैथिली शरण गुप्त चौराहे खुर्जे वाले मोहल्ला पर है भागीरथ प्लाजा का। जी सर, रूम सेट तो वास्तव में आपके यहाँ लाजवाब है, मतलब पहली बार भी में जो मन को भा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने लगाया भी एंट्री पॉइंट पे ही है, हर किसी को पसंद आ रहे हैं और रूम सेट भी बहुत अच्छे हैं। रूम सेट में जैसे है क्या क्या अपने सर? इसमें क्या, एक डबल बेड पलंग आता है, एक उसका गद्दा है, इसके बाद एक ड्रेसिंग है और एक अलमारी है। पूरा कंप्लीट है? हाँ, पूरा कंप्लीट है सर। और इसके साथ में जॉइनिंग टेबल, इस बार ये जॉइनिंग टेबल तो बड़ी लाजवाब लग रही है। जी जी जी, मार्बल की है ये जॉइनिंग टेबल, कोरिया की है, इटालियन मार्बल। हाँ जी हाँ जी, शानदार लग रही है, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी बहुत अच्छा है सर। गुप्ता जी, अक्सर ये होता है कि फर्नीचर तो हम ले लेते हैं जी जी, लेकिन फर्नीचर लेने के बाद उसमें थोड़ी सी कभी कभी सर्विस की दिक्कत मतलब आती है। जैसे सपोज देयर मैंने ये टेबल ले ली जी जी, इस टेबल में कभी कभी कोई स्क्रेचेज वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए क्या, हम लोगों ने लाइफ टाइम की फ्री सर्विस रखी हुई है सर। संडे को हमारे यहाँ 10 बजे से 1 बजे तक है ना, चाहे आपने कभी भी कहीं से मतलब किसी भी समय लिया हो, और उसके कोई बिल की भी आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधे आओ हमारे शोरूम पे और आपको सर्विस फ्री मिलेगी। आप कारीगर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब कारीगर का चार्ज नहीं लगता? कोई चार्जेज नहीं, ये निशुल्क है। हाँ बिल्कुल। शॉकिंग नहीं लग रहा आपको कि भाई लाइफ टाइम सर्विस? लाइफ टाइम सर्विस का मतलब जब तक उनके फर्नीचर आपका रहेगा तब तक, जब तक, क्योंकि ग्राहक हमसे जुड़ा हुआ रहेगा सर। बिल्कुल। दूसरे क्या है, हम लोगों को क्या है, कारीगरों से भी हमारे बॉन्ड होता है, क्या वो हमसे 3 घंटे का कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लेते, कारीगर पार्टी लेके जाती है, छोटे मोटे जो 10-20-25 रुपए के पार्ट्स होते हैं उसके पैसे भी हम नहीं लेते ग्राहक। ये आपका जूसर मिक्सर जो ग्राइंडर रखा हुआ है ये वही पहले ग्राहक के लिए? जी हाँ बिल्कुल, पहले ग्राहक के लिए। जो शादी बुक करने हमारे पास आता है, जो पहला ग्राहक होता है, हम उसके लिए देते हैं। शादी का पैकेज जो बुक करने आ रहा है उसके लिए? बिल्कुल भाई, काम तो है यहाँ पर भागीरथ पाया पे, काम तो है। तो अगर आप भी देखिए कोई फर्नीचर लेना चाहते हैं और ऐसा फर्नीचर कि लाइफ टाइम जिस पर सर्विस मिले, तो इतने सारे अगर आपको फायदे मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा आना तो चाहिए आपको, और फिर आकर देखना भी चाहिए
इतना सुंदर फर्नीचर आपको अक्सर मतलब टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में देखने को मिलता है, जो आप अपनी आंखों से आके देख सकते हैं। ये भागीरथ प्लाजा 36 नंबर 8 पर चेयरमैन का ही है ना, मैथी शरण गुप्त चौराहा खुर्जेवाला मोहल्ला, 5 मंजिल और 4 मंजिल का शोरूम जी, बिल्कुल बिल्कुल, लिफ्ट के साथ है, लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में कोई परेशानी ना। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप एक बार मेले में अवश्य आए 36 नंबर 8 पर और देखें हमने किस तरह का कलेक्शन लगाया हुआ है। अगर किसी कारण से नहीं आ पाते तो हमारे स्थानीय शोरूम खुर्जे वाले मोहल्ले में भी आपको पूरा कलेक्शन मिलेगा विस्तृत रूप से। अरे यहाँ भी आएंगे भाई, आइए आप लोग, पक्का है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि 36 नंबर 8 तो है, पास में ही है, मेले में ही है, 36 नंबर 8 पे भागीरथ प्लाजा का ये शोरूम। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की, और आज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सुपर गर्ल्स, या छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, देखते हैं किस तरीके से ये इंटरटेन होती हैं और आपको यहाँ करती हैं। क्या नाम और कहाँ? सालू बातम कलागेट से। गुंजन कुशवाहा तारागंज समाधि कॉलोनी। जूली अग्रवाल गुड़ीबड़ा के नाके। सोनिया खान मेला ग्वालियर। मानसी तोमर बोड़ापुर से। पूजा शर्मा आमको से। ज्योति मांझी मुरार। मेरा चांदनी वर्मा। वेरी गुड, एक काम करो, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, इनकी तारीफ करो जल्दी से। आप कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी छोटी बना के आई हुए, कितनी अच्छी चुन्नी, कितना छोट अच्छे बन के आई हो, कितने अच्छे चप्पल, कितने अच्छे, आप भी बहुत अच्छी लगी हो, आपकी हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लग रही है, आप कितने अच्छे कपड़े पहन के आई, आप बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तारीफ करो। अरे आप कितनी सुंदर लग रही हो, बड़ी स्मार्ट लग रही हो, इस बार मेले में बड़ी वन टन के आई हो, क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। अरे इनके नेचर की तारीफ करो, आप बेस्ट फ्रेंड के जो नेचर की तारीफ करो। आप बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी व्यवहार है, आपके आप अच्छी लगती हो, आपकी चुन्नी बहुत अच्छी है, आप थैंक यू सो मच, तारीफ करो बेस्ट फ्रेंड। वाओ आप कितनी अच्छी लग रही हो, आपकी बहुत अच्छी, आपकी टॉप, आपकी भी स्टाइलिश अच्छी लग रही है यार, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, यार शूज यार जींस यार, आप इनकी तारीफ करो, इधर बेस्ट फ्रेंड है आपकी। वाओ आप कितनी सुंदर लग रही है, आपकी जैकेट वाओ कितनी अच्छी, आपका नेचर भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप कितनी अच्छी लग रही हो, वाओ कितनी अच्छी लग रही है, आपका टॉप बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे गंदी फ्रेंड है, ये चुगली करती है आपकी, आप इनकी, आप कितनी गंदी हो, मेरे घर पे जाके चुगली कर दी आपने मेरी है, कि मैं मॉल में घूम रही थी। अच्छा आप बहुत अच्छी हो। हाँ आप, तो आप उनको बताओ ना, आपने नहीं किया चुगली, आप बचाओ करो, करो आप। आपने मेरे घर पे जाके क्यों बोला कि मैं घूम रही थी? हाँ तो आप घूम ही रही थी तभी तो मैं मेला घूम रही थी, मैं शॉपिंग करने गई। अरे मैं तो आपको घूमते काम करो, आपकी चुगली इन्होंने कर दी है, हमारी मेरी चुगली ने कर दी। आपने मेरी चुगली क्यों की? नहीं मैंने नहीं की आपकी चुगली, मैं तो सामान लेने गई थी, आपने बोल दिया नहीं नहीं मैंने नहीं की, आपने की है चुगली, मैं आपको दे भी लिया था चुगली करते हुए, किसने कहा आपसे चुगली की है? मैंने, मैं क्या करूंगी, आप वहीं पे खड़ी थी और आप खड़े नहीं, मैं झूठ बोलती हूं आप, नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हां ऐसे कैसे मैं अपनी आंखों का देखा थोड़ा मान जाऊंगी, मैं हाँ चुगली कर दी है इन्होंने आपकी, क्यों तुमने मेरी चुगली क्यों कर दी? मेरे पापा मॉल में घूम रही थी ना, पापा मॉल में, पापा बोल रहे थे कि मॉल में घूम रही थी ना, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं बाहर घूम रही थी ना, मैं तो स्कूल में मेले में गई थी ना, बोला मेले में, झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोला मैंने, सच बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं नहीं गई थी, किसने मेरी जैसी शक्ल कोई और को देखा होगा? किसने बोला मेरी जैसी शक्ल कोई और की? मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, क्या रहने दो, चलो ठीक है, अरे मैं नहीं थी, तुम ही थी, रहने दो यार, रहने दो। चलो आपकी चुगली इन्होंने की है घर पे, आप कितनी गंदी हो, आपने मेरे घर नहीं, मैंने कभी नहीं की, मैं किसी की चुगली नहीं करती, नहीं मैं करती नहीं हूं किसी की चुगली, नहीं 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 मेरी मम्मी, नहीं मैं बता रही हूं, आपने मेरी करी तो मैंने, अरे आप तो बोल रहे हैं घर में जाके ऐसा कभी होता है? अरे रहने दो, अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं मॉल में किसी के साथ जा रही थी? नहीं नहीं गलत बात है, ये गलत बात है आपकी, आपने की है, मेरी मम्मी बोल रही थी आपके फ्रेंड का कॉल आया था, ऐसे कोई दोस्ती निभाता है क्या, ऐसे कोई दोस्ती निभाता है क्या, गलत बात है, नहीं नहीं आई हटी आपकी चुगली की इन्होंने, क्यों मेरी चुगली क्यों की आपने? मैं तो कॉलेज गई थी, आपने बोल दिया वो कहीं, मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं, आपने बोला था, आप ही ने बोला था, बोला था नहीं बोला था, पापा ने मुझे खूब डांटा, आपने बोला था, मैं तो आपको नहीं अब मैंने तो आपको नहीं था, आपने ही बोला था और आपने की थी, आपको मैंने कितना अच्छा फ्रेंड माना था तुमने, क्या क्या भी दिवाली अपनी, नहीं नहीं ऐसा मैंने की नहीं, ऐसे नहीं की मैंने। अरे वो एक काम करो, ये आपका पिज्जा खा गए, वेलकम बेकरी से लाए थे आप? हाँ वो आपका पिज्जा खा गए? मेरा पिज्जा क्यों खा रहे? मैंने मम्मी के लड्डू में पैसे निकाल के निकाल के लाई थी और आपने मेरा पिज्जा खा लिया, गलत फहमी है, मैंने नहीं खाया, मैंने आपका पेट नहीं पचेगा, नहीं पचेगा आपका, नहीं मैंने आपका पचेगा नहीं, खा गए हाँ ये मेरा खाना है, मैंने नहीं खाया, मैंने उठा के पिज्जा बना लाई थी, नहीं मैंने नहीं खाया, वेलकम बेकरी से खरीदा है और आपने मेरा पिज्जा खा लिया, क्यों खा लिया? नहीं पचेगा ही नहीं, लाई नहीं ना, पेट ही खराब है, खा गए क्या? अरे तुमने मेरा पिज्जा खा लिया, आखिर मेरा पिज्जा तुम्हारे पेट में गया कैसे? गया तो गया
चट्टी कहेंगी तो मैंने मेरा पिज्जा खा लिया पैसे मांगो अपने वापस। मैं पैसे तो मैंने तुमको 25,000 रुपए दिए थे मैंने उस दिन। 25,000 अभी तो अभी क्या नहीं है। अरे नहीं नहीं अरे आपने मेरे पैसे उधार नहीं अभी तक नहीं दिए। ऐसा कहीं होता है क्या? अरे नहीं 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 मेरे को अभी चाहिए अभी चाहिए। मेले का वादा किया था आपने अभी तक नहीं दिए। नहीं नहीं मुझे चाहिए। आप कल कहती हो क्यों कहती हो ये कोई बात होती है? मेरे पैसे अरे मैं कब लिए उसे लिए थे। अरे 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 सब मैं ऐसी बोल रही हूँ। अरे देखी आप नहीं 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 ये गलत बात है। छुट्टी नहीं नहीं मेरे पैसे ही नहीं है। ऐसे ही क्यों मेरे पैसे ले लिए? मैंने नहीं लिए। आप ही लिए थे। उधार मांगे थे मेरे से। आपने कहा था मेला आएगा। मैंने तो लिए थे ना। मैंने 4 तारीख की बोली थी। 4 10 तारीख हो रही है। क्या तू अभी रुका बता दे। आजा करे अभी अभी आ रही हूं। देख छोटी दादी चल क्या लग तू मेरे पैसे नहीं दिए। तू तू कहां रह रही हूं? आदमी बेकार है। मुझे पता है। मुझे पता तू भी कहां रह रही हूं। बिगड़ी बहुत बिगड़ी औलाद है तेरे। तू बिगड़ी औलाद। तू तू आपकी बिगड़ी औलाद। मैं नहीं तू है। तू तू मैं नहीं हूं। अपने मांगो मेरे पैसे दे। कब दिए थे? मैंने तू दिए थे। स्कूल गई थी। स्कूल गई थी। क्या सबूत है? तूने बोला क्या सबूत क्या है? रीना है मेरे साथ। सबूत मार रही है रीना। लाला रीना को रीना बोलती है। क्यों रीना तेरे की पुलिस वाली है? तेरी बहन है रीना। मैं कह रही हूं तेरी बहन की पुलिस वाली है क्या? क्या काम कर अपना मुझे बताया। निकलवा पर निकलवा। क्यों उस दिन से स्कूल में समोसे खाने के लिए आपने मेरे पैसे लिए? मेरे पैसे ही उधार नहीं दिए। मैंने कब लिए आपसे? आपके कोई सबूत है? मैंने लिए कोई सबूत है? मैं लिए मेरे पास तो पैसे ही इतने सारे पैसे रखे हुए हैं। मैं किसी से पैसे मांगती नहीं हूँ बल्कि मैं और किसी सबको देती हूँ। मेरे पैसे तो मैंने आपको दिए थे। दिए नहीं है पैसे। ठीक है शॉपिंग करने गए थे तो आप कह रहे थे मुझे ये टॉप पसंद आया मुझे ये पैसे चाहिए। ठीक है ना कि झूठ आपके खत्म हो गए थे। ठीक है आपने मुझसे पैसे लिए थे। मैं झूठ नहीं बोली हूँ। झूठ आप बोल रही गाना गाते है ना आपको वो एक करके दिखाना है। गूंगे लोग गाना कैसे गाते हैं आपको गा के दिखाना है गूंगे बन के। गाना है मुझे आवाज भी निकल लीजिए हल्की हल्की तोतले हो गूंगे तोतली आवाज में। यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना तोतली मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी तवाली मुझको गले लगा मेरी जिंदगी तवाली मुझको गले लगा के बैठा हुआ पलक पे तोतली आवाज में ता बनता महीना पपने तल तोल तुम नहीं पापा तोल तोल ता बनता महीना बने तले तो दिया लाला दू मैं जैसे जैसे मनवा नाचे मामोर तू तेरा है तू ती तेली तल जी तिली बिना तिला तीना दुआ है मुती तिल मैं पहली नदर तब तूने नदर ते मिला एक नदर तो मद आ गए भले नची वो छे चलाया है मैंने किस्मत की लकी लो छे।
तम तिन तिन तपते नहीं तत्ते तेरे तिना अमृत मेरा। क्या दया है आप लोगों ने मिलते, क्या दया है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से दया है आपने, अतन आते हो आप लोग। आज छोरी भी ना होकर जा रही है, और जो ज्यादा एक जो ज्यादा अच्छा बढ़िया करके दिखाएगा ना उसके लिए एक्स्ट्रा गिफ्ट है आज, जो जिता की ज्यादा अच्छी करके दिखाएगा उसके लिए एक्स्ट्रा गिफ्ट। चलिए आपको जाना है, ये तो था सुपर गर्ल, और शनिवार का यहाँ पर स्पेशल है सुपर वुमेन, और सुपर वुमेन के साथ यहाँ पर संडे का है सुपर, यहाँ पर कपल। ओ यार अच्छा हुआ तो वहाँ गए यार, कल वो आपकी सिस्टर आ गई थी। कौन सी? आपकी सिस्टर आ गई थी मैं वो। कल कहाँ गए थे आप? मैं था। अरे तुम नहीं थे? अरे मैं था। तुम गए कहाँ थे कल? मैं था, बाल बड़े बड़े होते कटवा लिए। तुम नहीं थे, मेरी बात वो सिस्टर थी तुम्हारी, तुम गए कहाँ थे कल? मैं टैलेंट पेश करने मैं ही आया था, बाल बड़े बड़े थे वो कटवा लिए मैंने। वो सिस्टर थी वो। अरे मैं ही था। एक दिन में इतने बाल बड़े नहीं होते, वो सिस्टर नहीं गई का? मैंने बाल कटवा दिए ना, वो तो निकल गए बाल, देखो सारे कटवा दिए, ये छोटी रह गई है मेरी बाल। एक बात है वो जैसे तुम पेश नहीं कर पाते ना, टैलेंट पेश करने आयोगे और क्या कर दो, मेरे को क्या टेंशन है। वो सिस्टर नहीं थी, मैं ही था। अच्छा एक चीज है, ये पूरी फैमिली में बीमारी है क्या, कोई टैलेंट ही पेश नहीं कर पाता? किसने कहा भाई साहब ऐसा? कल आपकी सिस्टर भी नहीं कर पाई, आज आप भी वही करो। अरे भाई तो मैं ही था, वो सिस्टर नहीं थी। नहीं मुझे नहीं लगता आप ही थे। उसका नाम क्या था? किसका सिस्टर? नाम तो मैं किसी का पूछता ही नहीं हूँ, पूछा नहीं था पूछा आज तक। तुम्हारा नाम क्या है? सुलभ कुमार शौचालय। सुलभ कुमार शौचालय की हेमंत मारिया? नहीं 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 सुलभ कुमार शौचालय, मेरे ख्याल में हेमंत नाम है तुम्हारा। वो मेरा निकनेम है घर का। अच्छा वो निकनेम है, वैसे क्या है? सुलभ कुमार शौचालय। अच्छा। पेश करो। कर दे। ऐसा एक चीज है। अब क्या चीज है भाई साहब? एक चीज है, मेरी बात सुनो, बिल्कुल डिक्टो तुम्हारी तरह ही ऐसे एकदम उछल के उन्होंने किया था। वो तुम्हारी सिस्टर थी ना? उनके तो बड़े बड़े बाल होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ सिस्टर थी वो। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी सिस्टर थी वो। चलो अच्छा कर, उन्हें भेजा मेरे को, उन्हें मेरे को मार मार के भेजा इधर, टैलेंट पेश कर टैलेंट पेश कर। मैं तो बोल रहा हूँ कि इनकी सिस्टर थी, देखो स्वीकार लिए सिस्टर थी ना। हाँ भाई सिस्टर थी। हाँ सिस्टर थी बस। अच्छा हाँ बेटे नहीं थी? नहीं था वो भाई साहब, बात माना करो, मैं ही था। अब क्या दिक्कत है भाई साहब? दिक्कत तो पाते नहीं है रोज, दिक्कत दिक्कत दिक्कत। टैलेंट पेश कर लेने दो, चलो जल्दी से टैलेंट पेश। 20 साल तुरंत प्रोग्राम आ मेरे चले। सॉरी अब तुम कौन हो? मैं तो हूँ चाची, जो कायम हो पत्ते में जो चाची 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 चाची। ओए मैं रुक जा, रोज रोज ही लगा रखा था। ये कौन है भाई साहब? मैं वो ही कंफ्यूज हूँ, ये कौन है? अब आप कौन है? गधे जैसी शक्ल के आदमी। कितनी अच्छी शक्ल को गधे जैसी शक्ल बता रहा है। सॉरी सॉरी बंदर कहीं का। ऐसे इंसान बंदा बंद हो गए भाई साहब, एक ही सांचा था वो टूट गया। क्या है ये? मतलब ये आपके हस्बैंड आते हैं क्या? वो यूं करते हैं वो तुम्हारे हस्बैंड? नहीं भतीजा है मेरा। भतीजा नहीं है, हस्बैंड है, बिल्कुल आपकी तरह है। भतीजा ऐसे तो चाची होगी ना? चाची एक मिनट साइड में हो जाओगे, इधर आपको लग जाएगा। टैलेंट पेश करते हैं और कुछ नहीं करते, आपको लग जाएगा, साइड में हो जाओ। आपके सामने
तेज कर रही है। रुक तो सही, एक नहीं दिख रहा ये भी गुदे जैसी शक्ल का। अब पेश करते हैं 20वां साल जाने क्या करता रहता है। मैं पेश करती हूँ आलू पराठा गोभी पराठा मक्खन की रोटी। पराठे पराठे कोई दिखेंगे, देखो ऐसे देखो आप इसको, पराठा गोभी आलू कुछ थोड़ी आप पीछे हो जाइए लग जाएगी। औरत इज्जत से पेश आना पड़ता है। वो था ना वो आया था ना वो बाबू बेधड़क था, वो इज्जत से पेश आ रहा था। आपके सामने मेरे, सुन मेरे लाल मेरे बच्चे सुन, जाने क्यों आप ये भी ढिबरे यार। दोनों एक आपके हस्बैंड आके यहाँ पे डिस्टर्ब करती है और एक आप यहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रहे हो। हस्बैंड थोड़ी है भाई, हस्बैंड है आपके, उसकी तो शादी नहीं हुई। हाँ झूठ मत बोलो, छोटा है वो, तीन बच्चे हैं उनके, छोटा नहीं है। दीदी 47 साल का है वो। चाची मैं आपके पास छू रहा हूँ, चाची आप चले जाइए। बाबू उसका नाम है, मैं पाँव अच्छे से छू लूंगा। बाबू उसका नाम है और बेधड़क उसके बच्चे का नाम है। बाबू बेधड़क ऐसे है वो, हाँ बेधड़क बाबू, हाँ बेधड़क नहीं बेधड़क। अरे वो ये क्या है, हमारे बॉस जमीन पे पैर नहीं रखते हैं। ये बॉस है आपके? या जमीन पे पैर नहीं रखते बॉस, नीचे उतारो। नो तनख्वाह मांग रहे थे, सैलरी मिल गई, सैलरी मिल गई, उसी सैलरी दे दी है तुमने, सैलरी मिल गया। अच्छा ये क्या है, ये इनको सैलरी दी है मैंने, ये भेज भेज के सैलरी दी है, ये भेज भेज नहीं नहीं ये तो मेरी है, ये तुम्हारी है, इनको सैलरी दे दी मैंने, नीचे उतारो। हम जमीन पे पैर नहीं रखता हमारा बॉस, नीचे उतारो जमीन पे पैर। सैलरी मिल गई ना आप? नो सर नो, उतार दो बेचारों को, नीचे उतारो, इज्जत करते हैं हम। अरे एक मिनट लंगूर को नीचे उतारो। भाभी जी नहीं, एक मिनट, सैलरी मिल गई ना? यस सर यस सर। ये क्या लगा रखा है, मैंने सब कुछ लगा हुआ है। नीचे उतारो, अरे इसको पटक दो उसको। बॉस बॉस ये बॉस, एक मिनट नहीं बेकार में आके चैलेंज वैलेंज कोई कर रही बात तो आज चैलेंज में पेश कर लेता हूँ। नहीं तो नहीं, साहिबान मेहमान कदरदान, ना थूकदान ना पीकदान, ना जलेबी की दुकान। नहीं मैं फिर बोलिया बोलिया, मेहमान कदरदान, ना जलेबी की दुकान, ना थूकदान ना पीकदान। मैं समोसे घुमा के नहीं मर्दी घुमा के आपके सामने आ रही है अब शराब हेरा के। काम करो, मैं भी कमाल कर देती हूँ कभी कभी। इनके लिए गिफ्ट देना चाहूंगा भूलने पर। अब देखो, नो सर नो सर नो सर, ही इज अ बॉस सर। नहीं एक चुप कर रही है तू सबके सामने। नो 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 सर नो सर नो सर, प्लीज सुन एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट दो, एक मिनट तेरे घर में मां बहन नहीं है? नहीं नहीं, चल इसका खा के देख। भाभी जी तुम लोग प्यार से आओ, क्या अप्सरा नाम है आपका? अप्सरा नाम है आपका? नहीं, ये इन्होंने बोल दिया, ये इनकी बातों में आ गया। अप्सरा नाम है? नहीं। क्या नाम है? प्रियंका। अब तुम लोग जाओ जरा, हटो यहाँ से, हटो, एक मिनट चाची, हटो यहाँ से चाची। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। रुको रुको रुको, ये चक्कर क्या है इनके? चक्कर ये इसको आदत पड़ गई है, हस्बैंड भी मारते हैं इनके,
कल इनकी सिस्टर भी आके मार रही है। हाँ भाई साहब, क्या समझ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, चक्कर क्या है? इसने अपनी कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों मारते हैं। इसने अपनी शर्ट के पीछे लिखवा दिया है। हाँ क्या? मारियो। मारियो लिखवा दिया है अभी? कौन है? मैं पता नहीं, मेरे अच्छा, पीछे मारियो लिखा है, मैं पता ही नहीं है। अच्छा, बचपन में कौन से गेम खेलते थे हम लोग? मारियो बाबी जी? नहीं नहीं नहीं, बहुत से नहीं। खुद ही बोल रहा है वो? नहीं नहीं। कौन सा गेम? कौन सा गेम? नहीं सर, कौन सा गेम? नो सर, सामान लो। सांप से नहीं? बॉस सर, ही इज अ बॉस। नो नो नो, का दे दिए सैलरी। अब तुम लोग सैलरी मिल जाए सर। एक मिनट, थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज, प्लीज थोड़ा पीछे। भाभी जी से चलो। नहीं 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 भाभी जी, नहीं निकलोगे तुम लोग प्यार से? नहीं, तुम लोगों के बॉस को मैं बुलाऊं? नो। एक मिनट भाई साहब, मैं यू तुम्हें चलती हुआ चाची। एक बात है, वो आपके हस्बैंड है ना, वो भी नहीं कर पाते टैलेंट तो पेश। वो तो है ही रामकोर, काम ही नहीं करता कभी कुछ। मेरे बारे में चर्चा निकलो, चर्चा मेरे बारे में तो नहीं करी ना राम। आप तो बहुत, आप ही तो पेश करते हो। हाँ वही तो बात है, आप ही तो वो जो टैलेंट पेश कर देते हो। हाँ। जो भी क्या किया ये? कुछ नहीं, मैंने किया। ये क्या किया? कुछ नहीं। ये क्या किया आपने? मैंने किया क्या? मैंने किया क्या? मेरा कसूर क्या है ये बताओ? निकलो यहाँ से, ये है कसूर। निकलो यहाँ से। एक मिनट। निकलो यहाँ से। एक मिनट। सबसे ज्यादा अच्छी बता देगा ये उसके पास स्टॉली में। जल्दी स्मार्ट स्मार्ट ग्रेन्यू की स्मार्ट पर नंबर वन बन चुका है ये, और इसमें पल्सर बाइक है, डिविड प्लेयर है, और इसके टच स्क्रीन मॉडल है इसमें, और वो इसका एक बार खरीदो, पांच बार जीतो, ना खरीदो तो अभी जीतो। और ये पटेल नगर में इसका शोरूम है, और 12 सालों से एक ही विश्वास रहा है। और ना इस पे 4000 वाला जो है, जो 3250 रुपए में मिल रहा है, उसके साथ में कढ़ाई मिल रही है। और 4000 वाला 3250 रुपए में मिल रहा है, और उसके साथ में बर्तन फ्री, मतलब कढ़ाई। शुक्रवार को भी है, और शनिवार को भी, और इतवार को भी। ये इंडक्शन लाइट बच्चे, बड़े बुजुर्ग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, खासतौर पे जब ऐसे मम्मियां घर पे ताला लगा के चली जाती हैं, तो बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं। चलने वलने के लिए भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो अपना पैरेंटल काम कर सकते हैं। वेरी गुड। ये पांच एक बार खरीदो, पांच बार जीतो, ना खरीदो तो भी जीतो। इसके साथ दो पल्सर बाइक है, 10000 से दो पल्सर बाइक है, एक 10000 रुपए कैश है, और इसी ये बहुत ही अच्छी है। इसके साथ बर्तन आ रहे हैं अच्छे वाले, बहुत ही अच्छे, जो भी बच्चा इस पे यूज कर सकता है बच्चे। चलिए इसके अलावा इसमें बच्चे भी खाना सा बना सकते हैं। मम्मी ताला डाल के चली जाती है, तो बच्चे पास्ता वगैरह बनाते हैं, वो बच्चे इसमें आराम से बना सकते हैं। चलने का डर नहीं है, ना करेंट का डर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना। और गाँव में जनरेटर से भी चला सकते हैं इसे, और गाँव की औरतों को सबसे बड़ा पसंद बन चुका है ये गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर। और उसमें नया गोल्डन लाइफ एक्वा भी आया है, ये ना जनरेटर से भी चल सकता है ना, और जो प्रेग्नेंट ना औरतें होती है वो भी खाना बना चुकी है बाकी का। और ना ये पांच बार एक बार खरीदो, ये 10 से 15 मॉडलों में आया है। और इसमें जो 4000 वाला अभी संडे सैटरडे की स्क्रीन है, 4000 वाला जो टच स्क्रीन मॉडल है, उसके साथ 850 रुपए के बर्तन फ्री है, और जो 3350 का है उसके साथ कढ़ाई फ्री आ रही है, और जो दो दिन की स्कीम है। और क्या कर सकते हैं इसमें? ना एक वो आया है, नई स्कीम आई है इसमें 1.4 की, मुझे नहीं मालूम है, आप ही बताओ। हाँ 1.4 की, और अभी हम बुक करके भी आए हैं बुआ की शादी के लिए, बहुत अच्छा है ये, छोटे भी खाना बना सकते हैं इससे, और गाँव वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि किसी की आंखों में धुआं लगता है, तो उनके आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ये गांव वालों के लिए बहुत ही सही है। इसको बेड पे रख के भी खाना बना सकते हैं, और जितना भी वजन रख देंगे लेकिन ये चटकेगा नहीं। और इसके पास 15 से 20 किलो, हाँ 15 से 20 किलो वजन रख देंगे, ये चटकेगा नहीं। हाँ और क्या कहते हैं बच्चे, इसके अलावा और एक चीज जल्दी, इसमें भूनने वाली चीज नहीं भून जा सकती, बाकी सब कुछ पूड़ी पराठे रोप चपाती सब कुछ बनाया जा सकता है। इसके अलावा और एक चीज जल्दी, इसे आराम से बना सकते हैं, इसमें बेड पे रख के भी खाना बना सकते हैं। अब गर्मी आ गई है, कूलर में गैस बुझ जाती है, इसमें बुझती भी नहीं है, आराम से बना सकते हैं, पलंग पे बैठ के भी खाना बना सकते हैं। और एक चीज जल्दी से, इसमें पल्सर बाइक आई है, जीतो ना वो खरीदो ना खरीदो लेकिन आपको फायदा होगा। इसमें दो पल्सर बाइक आई हुई है, और गोवा का टूर है, और 6 दिन 7 रात का, और वो है कैश 10000 रुपए कैश भी है। एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर रख लो, रख लो। एक आपके लिए, आपने सबसे ज्यादा अच्छा बताया है। और आज एक हेमलता जी है कंपू से, उनको भी एक स्टोली बैग यहाँ पे मिला है।
लगाया है ये विशाल पिंडो कूलन है। और क्या क्या है इनके जल्दी से? इनके अलमारियों की बड़ी रेंज है, छतरी नंबर एक पर लगा हुआ है और चेयरमैन के वहाँ पे जींस नाला नंबर वन पे और नया शोरूम इनके आमने सामने है और लाइफ टाइम सर्विस फ्री है और पानी की बचत होती है। और कितने शोरूम है इस बार जो बता दीजिए? दो। विशाल विंडो कूलर कौन कौन से है? सिंपनी विशाल और विशाल अलमारी। सिंपनी विशाल कितने हैं? तीन है, सिंपनी विशाल और विशाल अलमारी और इनके यहाँ पे एक रिमोट वाला। कितने शोरूम है सिंपनी विशाल और एक जो विशाल विंडो कूलर? कितने हैं इसमें? तीन, सिंपली विशाल विंडो वो विशाल सिंपली का है, एक स्लिप बेल्ट का है और एक विशाल विंडो कूलर। वेरी गुड, एक आपके लिए रख लीजिए और लाइफ टाइम क्या है? सर्विस फ्री। एक आपके लिए है विशाल विंडो कूलर से। कौन सा आटा है? गालब। खासियत जल्दी से? इसमें सरबती गेहूं, ये बहुत अच्छा प्रोटीन, इसकी फुली रोटी बनती है और इसमें सेल्फी गालब भी है और इसमें मतलब दलिया इसको हाँ। दलिया बेसन और जो सूजी वगैरह सब सवाता है और इसमें इसके फूली ब्रोड सरबती जाता है। इसको तीन बार ठंडा करके पैक किया जाता है और बहुत अच्छा प्रोटीन है इसमें। और सूजी मैदा बेसन और आटा। इसमें क्या है आटे में? इसमें आटे पे सरबती गेहूं से बना होता है ये और बच्चे बड़े बुजुर्ग भी इसे खा सकते हैं। इसकी रोटियां फूली फूली गरम गरम बनती हैं जो आरामदायक होती है। ये बहुत अच्छा है, जो बच्चे रोटी नहीं खाता वो खाने लगता है, ये वो स्वादिष्ट है और इसे तीन बार ठंडा करके गर्म। ये ना गाला वाटा बहुत अच्छा है और ना जो खाते नहीं है वो भी खाने लगते हैं। इसमें है ना प्रोटीन है, वो प्रोटीन है और ना फाइबर है, सब फाइबर है इसके अंदर सबसे ज्यादा। एक आपके लिए रख लो गालब चक्की फ्रेश आटा से। कौन सा स्कूल है? MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल। इसमें हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है और ये 10th तक हो गया है, डोनेशन फ्री है। इसका CBSE नंबर है 10-30-937। एक आपके लिए रख लो MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल। कौन सी चाय? पदमश्री। आप क्या खाते हैं जल्दी से बताओ? इसके 10 ग्राम पैक पे चम्मच निकलती है और ये 150 से 2 प्रकार में आती है और इस मतलब ये 800 पे मिलती है ये। और शहर में? शहर में जी 800 पे मिलती है, दाल बाजार में और 800 पर नए बाजार। हाँ पूरा बताओ। नए बाजार पे मिलती है, RIT कंपनी की 150 से 200 प्रकार तक की चाय। आपके लिए रख लीजिए पद्मश्री चाय से। 1 किलो चाय का पैकेट आपके लिए है। चलिए इधर, कौन सा है ये शोरूम जो आया ना जिमरार में है? हाँ, गरम सड़क पर ये बच्चों के दुल्हन के और दूल्हों के जोड़े इनके सब सामान मिल जाता है एक ही छत के नीचे। एक आपके लिए बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। कौन सा पोहा है हमारे कारखाने में? क्या खासियत है? ये बहुत स्वादिष्ट बनता है, अच्छा पोहा है। कहाँ मिलता है ये? ये नए हर शॉप पे। एक आपके लिए रख लीजिए ताजमहल पोहा से। और एक आपके लिए, क्या नाम था आपका? प्रियंका। प्रियंका प्रजापति। प्रियंका प्रजापति कहाँ रहती हो? जांगीकट। एक आपके लिए कहाँ? जांगीकट। अच्छा एक आपके लिए रख लो, एक शानदार सी ये इंस्टॉल है रख लो, ब्लैक एंड व्हाइट आपका ये क्रीम है, कॉम्बिनेशन हो गया। एक आपके लिए विंदल फैशन फैमिली कलेक्शन। हाथ उठा देगा अग्रवाल फोटो। अगर फोटो 3 नंबर पर लगाया और बहुत अच्छी फ्रेम मिलती है इन पर और हर और ना 100 रुपए की मूर्ति भी आती है। इनके यहाँ कोलास की फ्रेम आई हुई है और वो दौड़ने वाले घोड़े भी हैं जो कि उन्हें शुभ मानते हैं घर में लगाने पर। और जो 100 रुपए की मूर्ति आई हुई जिससे ना घर में क्लेश वगैरह दूर होता है। आप चुप रहते तो मैं आपसे पूछता ना। एक आपके लिए और है अग्रवाल फोटो फ्रेम। ये कौन सा पोहा है? जल्दी पोहा, ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट पोहा है, नया बाजार में मिलता है बाबा जी के यहाँ पे, वैसे है हर शॉप पे मिलता है पोहा। कौन सा पोहा है? ताजमहल पोहा। बाबा जी क्या मिलता है? हाँ मतलब बाबू कार के नया बाजार में, हरी बाबू दाल बाजार में मिलता हाँ, है। एक आपके लिए रख लीजिए। और ये कौन सा नमकीन है? इधर 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 चलता हूँ, बताओ कौन सा है? एक मिनट इधर आ जाता हूँ, बताओ बेटे कौन सा है? भोगराज नमकीन। कहाँ कहाँ है? हजीरा इंटेक के सामने 34 पिंटू पार्क। एक आपके लिए भोगराज नमकीन से, एक आपके लिए। आपको कुछ नहीं मिला गया ये ताजमहल पोहा से, ये बड़ा सा एक एक और आपके लिए रखते जाइए। MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल शुपरी लिंक रोड से, एक आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए शुपरी लिंक रोड से, एक आपके लिए रख लो। एक एक और है आप सबके लिए मेरे पास पद्मश्री चाय से। एक एक आपके लिए और, एक आपके लिए भी है, आपके लिए रख लो, एक आपके लिए भी है हाँ, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए। ओस बुटीक कविता सोनी जी की तरफ से। कहाँ पर है ये? राम मंदिर। क्या खासियत?
फैंसी ड्रेस भी मिलती है और दुल्हनों के लहंगे भी बुक किए जाते हैं। वेरी गुड, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए। और कौन सा शूज है हमारे कार्यक्रम में? रीडास। कौन सा? रीडास। रीडास कौन सा है? रीडास। हाँ, कहाँ मिलता है ये? टोपी बाजार में। टोपी बाजार में शिल्पी फुटवेयर में से बाजार में हर जगह उपलब्ध है। एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, आपके लिए, एक आपके लिए रीडास शूज से, आपके लिए, आपके लिए, एक एक आप दोनों के लिए। और एक एक और है मेरे पास, विशाल विंडो कूलर और विशाल अलमारी से, एक एक आपके लिए और। आपके लिए स्लिप बेल मैट्रेस, सिम्फनी कूलर, विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, सिम्फनी, स्लिप बेल मैट्रेस और विशाल विंडो कूलर। रखते जाइए, एक एक आपके लिए और। ताजमहल पोहा से एक एक आपके लिए और। एक आपके लिए, आपके लिए भी है, आपके लिए है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए भी है, एक एक आप दोनों के लिए, एक आपके लिए भी है। एक एक और है मेरे पास यहाँ, भागीरथ प्लाजा 36 नंबर का शोरूम है ये भागीरथ प्लाजा। 21,000 से पैकेज चालू है, बेबा पैकेज चालू है। वेरी गुड, एक आपके लिए है, एक आप सॉरी एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भागीरथ प्लाजा 21,000 से शादी का पैकेज चालू, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है भागीरथ प्लाजा से, एक आपके लिए और एक आपके लिए। आपके लिए भोगरा नमकीन हजीरा इंटक, एक एक आपके लिए हजीरा इंटक पिंटो पार्क और ठाटीपुर, एक एक आपके लिए भोगरा नमकीन से। और फाइन आर्ट स्टूडियो कहाँ पर? नई सड़क। क्या खासियत? जिसके फोटो अच्छे आते हैं, जिसके बाल नहीं होते उनके बाल भी आते हैं, उनकी शादी नहीं होती उनकी शादी भी हो जाती है। अरे वाह, वेरी गुड, एक एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक आपके लिए, एक आपके लिए, ये भी है, एक आपके लिए। कितने साल पुराना है ये? 52 साल पुराना है। एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए, एक आपके लिए। और क्या होता है फाइन आर्ट पे? यहाँ गोरे से काले हो जाते हैं और काले से ये गोरे हो जाते हैं यहाँ पर। हाँ, वो जिनके काले होते हैं उनके बाल आ जाते हैं, जिसकी शादी वो पर कहने लगते हैं ना काले वाले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। लेकिन फोटो साहब, एक आपके लिए फोटो का डॉक्टर कौन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलो, फाइन आर्ट स्टूडियो। एक एक और आप सबके लिए मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट, एक आपके लिए, आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से चॉकलेट, आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए। श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर कहाँ पर है ये? दाना वाली। इसके प्रोपराइटर अमूल्य गुप्ता, राजा के बिस्किट है ये, ऑरेंज क्रीम। और जिसने राजा के बिस्किट नहीं खाए उसने कुछ नहीं खाया। एक आपके लिए है, रख लीजिए। कहाँ पर है ये अचलेश्वर सीएनसी राउटर? दाना वाली टक्साल करी हो। कौन है प्रोपराइटर? अमूल्य गुप्ता। हाँ, लेकिन ये राजा के बिस्किट है, आ तो रहा है हल्का हल्का सा, राजा के हैं, बड़े रापची को झकास है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्रीम वाले। एक आपके लिए, आपके एक आपके लिए, एक फैशन फैमिली कलेक्शन से पकड़ लो, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन गरम सड़क मुराद, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से है, आपके लिए, आपके लिए भी बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए। और स्मार्ट घड़ियों की स्मार्ट पसंद, कितने सालों का विश्वास, एक आपके लिए और है, आपके लिए गोल्डन लाइफ से एक और है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से और है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, मैंने कमिटमेंट किया था जो बेहतर करेगा मेरा, पिज्जा का कूपन, वेलकम बेकरी ओल्ड हाई कोर्ट, पिज्जा स्पेशलिस्ट है ना? हाँ। आपने बहुत बढ़िया किया था विदा का, एक आपके लिए उनकी तरफ से। अच्छा, क्या नाम है भाभी जी? शशि। प्रोग्राम देख रहे हैं? देख रहे हैं आप, रख लीजिए। बिंदल फैशन से भाभी जी क्या नाम है? रिचा। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ। ये प्रोग्राम देखा आपने? एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। क्या नाम है बेटे? सलामी शर्मा। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। क्या नाम है? निशा मेला। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन से। क्या नाम है आपका? सोनिया से। कहाँ रहते हैं? गोलपाड़िया। ये प्रोग्राम देख रहे हैं मेले का? एक आपके लिए बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ रहते हैं? ग्वालियर। ये प्रोग्राम देख रहे हैं मेले का? आपके लिए बिंदल फैशन से। क्या नाम है? आशा। एक आपके लिए बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। दोस्तों, यहाँ से सीधे चलते हैं झूला सेक्टर और देखते हैं शुक्रवार का दिन क्या नजारा है। यहाँ से सीधे झूला सेक्टर। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे
मुश्किल में जान आई आया होंठों पे तेरा नाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम बापू तेरा पर्दा क्या पर्दा क्या जलवा ये दिल तू मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे में हबीब तू है मेरा नसीब तू है मेरा हबीब तू है मेरा नसीब तू है तीरों में बंदा असीरों में तुझ पे मेरी नजर है मुझसे तू बेखबर है मुझसे तू बेखबर है मैं अपने मेहरबान से अब क्या कहूँ जुबानों से इश्क में लेते हैं आशिक जुबान का काम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम इंतजार मुश्किल सोनी है दिल की महफिल कब तेरी दीद होगी मस्तों की ईद होगी कब दीद होगी मस्तों की ईद होगी मन से आ निकल कर मेरे हसीन दिल पर जो कुछ भी धर्म है उड़ जाएगा धुआं है पर्दे उठा रहा है सारे शायर का ये कलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम तू है बस तेरी आरज़ू है ये बेरुखी है कैसी ये बेखुदी है कैसी बेरुखी है कैसी ये बेखुदी है कैसी पहचान ये निगाहें ये आंसू और ये आहें पहचान ये निगाहें आंसू और शौके विशाल ये है इस दिल का हाल ये है लेके बगैर नगमा जैसे मैं के बगैर महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम MIS आओ मेला चले। मैं पुनः कहूँगा आपके पास अगर आपके पास कोई टैलेंट है मिमिक्री आप जानते हैं या किसी की नकल कर लेते हैं घर में किसी की भी कर लेते हैं मतलब उससे हंसी आनी चाहिए ये हास्य कविताएं आ जाइए ग्वालियर व्यापार मेला। अभी ये शो कंटिन्यू है देखिए पूरे ग्वालियर में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा साथ में चंबल संभाग में तो आपका जो टैलेंट है लोग दूर तक तो कहेंगे वाह शानदार या
किसी भी तरीके से आप फंसा सकते तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। कल शनिवार यानी आज शनिवार, अगर दिन में देख रहे हैं शनिवार का स्पेशल सुपर वुमेन है, संडे का है स्पेशल सुपर कपल, और मंडे का एक बार मैं सुपर गर्ल वर्सेस सुपर बॉय, मंडे का है स्पेशल सुपर बॉय वर्सेस सुपर गर्ल, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको तीन दिन के बता दिए हैं। अगर आप YouTube पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको पुनः बताते जा रहा हूँ, मेले के बाद बहुत सारे वीडियो हमारे जो कैमरामैन अनुराग झा, ये भी बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, वो बाबू बे धड़क, ये बहुत फनी वीडियो, हेमंत मारिया, अरे ये हंसाने वाले लोग हैं, मैं आपको बता दूं, साथ में करण का डांस और अभिषेक चौथवानी की थोड़ी सी फनी उसमें हंसी मजाक, और साथ में शिवानी और हनी, ये भी आपको साल भर हंसाते रहेंगे यूट्यूब पे वो, लेकिन आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता, गुड्डू कैमरा, मैं एक चीज जानकारी और दे दूं पुलिस विभाग से जो मेरे पास आई है, मैं पुनः आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ सस्पेक्टेड, कुछ संदेही महिलाओं की ग्वालियर पुलिस को तलाश है, जो ग्वालियर में यहां कई है, कुछ सस्पेक्टेड है, संदेही महिलाएं, उनकी ग्वालियर पुलिस को तलाश है, और कई बार उनकी लोकेशन शायद मेले में, इसलिए पुलिस यहां पर जो लोग चेहरे पे कपड़ा लगाकर आ रहे हैं उनके चेहरे खुलवा रही है। ऐसा ना हो आप लोग चेहरे पे कपड़ा लगाए हो और पुलिस आपको रोक दे, तो आप चेहरे पे कपड़ा मत लगाइए अगर आप ग्वालियर व्यापार मेले में घूम रहे हैं, और अगर आपको कोई लेडी कांस्टेबल रोक लेती है तो प्लीज आप उसे कोऑपरेट करें, अगर वह आपका नाम पता पूछते तो आप उन्हें कोऑपरेट करें। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता, गुड्डू कैमरामैन अनुराग झा, ऋषभ साखला, चंदन बरैया, सबोनेट एंकर बाबू बेधड़क, निखिल कटारिया, हेमंत मारिया, करण बघेल, अभिषेक चौधवानी, सनी शर्मा, हनी शंखवार, शिवानी शंखवार, पूरी टीम के साथ, और साथ में एक मेरा और दमदार बंदा पिछले सालों से सोनू सिंह, शुभम शर्मा और अमित तिगोटिया, ये पूरी टीम। तो मैं इजाजत चाहता हूँ इस वादे के साथ कि कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह पुनः मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा अक्षण स्पर्श, और सभी हम उम्र को हाय, अंत में आज इजाजत और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।